श्रीमद्भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से रहता भगवान की है आरती, पापियों को पाप से श्रीमद्भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से रहता बोल जगत पंत बोल सहाय भसाए
बागपत क्षेत्र में गुरुदेव कई वर्षों से प्रचार कर रहे हैं और सुंदर तरीके से सभी जीवों को भक्ति में लगा रहे हैं। बड़ौद में बहुत सुंदर प्रचार हो रहा है। आप सबसे निवेदन है, कभी भी बड़ौद आए तो पंचवटी मंदिर के बिल्कुल बगल में लगे हुए गौशाला के ऊपर जगन्नाथ मंदिर है, श्री श्री राधा मोहन बड़े बड़े, उसमें आप सब आए और देखें कितना सुंदर भव्य मंदिर है। आज श्रीमद् भागवत का प्रथम दिवस, जिसमें हमें ये समझना है कि कथा किसे कहते हैं। कथा कहने के लिए उपयुक्त व्यक्ति कौन है, कथा सुनने के लिए उपयुक्त श्रोता कौन है, कथा किसके मुखारविंद से, किसकी जीवा से हमें सुननी चाहिए और किसकी जीवा से हमें नहीं सुननी चाहिए। अभी तक आपने कितनी कथा सुनी होगी, कितने लोग आए होंगे, कितने लोग कथा करके गए होंगे, लेकिन हम जहाँ के तहाँ हैं, अर्थात हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। कारण ये कि कथा जो कह रहे हैं उनका उद्देश्य एकमात्र यश को प्राप्त करना, धन को प्राप्त करना ही रहता है। कभी भी कथा का जो वस्तु लाभ है वह देने का प्रयास नहीं हुआ। हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज और हमारे शिष्य गुरुदेव भक्ति वेदांत शिखर गोस्वामी महाराज, जो आज बड़ी कृपा करके बागपत में आए हैं, ये ऐसी धारा है कि अगर किसी ने क्षण मात्र भी कथा सुन ली तो उसका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। आप सबने सुना होगा, सबको कहते सुना होगा कि भगवान एक है, गॉड इज वन। जानते हैं भगवान एक है या दो है? एक है भगवान, एक है। चाहे किसी भी धर्म वाले से पूछ लो, भगवान एक है। अब सनातन धर्म में इतने सारे भगवान हैं कि समझ में नहीं आता कि भगवान एक होते हुए कैसे अनेक रूप में प्रकट हुए। और सर्वश्रेष्ठ धर्म सनातन धर्म है। उस धर्म को यदि हम भारतवर्ष में जन्म लेने के उपरांत भी नहीं समझे तो हमारा जीवन मात्र अन्य जितने 84 लाख की यूनिया, चाहे वो पशु है, कीट पतंग, पक्षी, बंदर, कुत्ता इत्यादि, उन्हीं की तरह ये जीवन हमारा निकल जाएगा। हम भारत में जन्म लेकर के इतना उच्च कोटि का जो धर्म है सनातन धर्म, उसकी परिभाषा को भी पूरे जीवन पर्यंत हम नहीं समझ पाए तो इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती। और इसको समझाने के लिए बड़े बड़े आडंबर करने वाले जो वेशभूषा से संत नजर आते हैं लेकिन होते नहीं वस्तुतः, वो समझाने का प्रयास करते भी हैं लेकिन वो समझ में आता भी नहीं, क्योंकि उनके हृदय में अभी खुद भक्ति नहीं है। भक्ति किसी की भी गुलाम नहीं है, भक्ति भगवान की तरह स्वतंत्र है। और भक्ति को हृदय में लाने का एकमात्र साधन है श्रद्धा। यदि श्रद्धा हमारी नहीं हुई तो हम सिर्फ आडंबर करते रह जाएंगे। उसी कड़ी को बढ़ाते हुए श्रीमद् भागवतम कथा का आयोजन जो आप लोगों ने सबने किया, ये लगता बहुत साधारण सा है लेकिन इतना विशेष कार्यक्रम हो गया है, इसको आप आज नहीं जानेंगे
कथा होने के उपरांत आप इसको समझेंगे कि ये साधारण वस्तु है ही नहीं। श्रीमद् भागवत का आयोजन जो अभी तक आपने कहीं पर भी यथाकथा सुना हो, देखा हो, उस कथा और इस कथा में अंतर एकमात्र इतनी है कि जो भगवान का शुद्ध प्रेम है, जो भगवान के माध्यम से, भगवान से शुरुआत होते हुए गुरुवर्गों के माध्यम से अक्सर पहुंचता है, वह हमारे हृदय को परिवर्तन करने में सक्षम होता है। और अन्य जितने भी कथावाचक है, सबका नहीं कहता, जो वैष्णव परंपरा में है वो शुद्ध है, जो वैष्णव परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं और अपने को कथावाचक जान बैठते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूं। यदि कोई वैष्णव परंपरा से है, उनसे आप कथा सुनते हैं, तो वह निश्चित तौर से आपके हृदय को परिवर्तन करेगी। जीवन जो हमारा भी रोबोट की तरह बन गया है, खाना पीना सोना मैथुन मच्छर पैदल करना और एक सीमित रह गया है, मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं मिला। मनुष्य जीवन किसके लिए मिला है? आए थे हरि भजन को होटल लगे के पास, आए थे हरि भजन के लिए और संसार के काम में लग गए, इसलिए नहीं। संसार के कार्य तो करने हैं लेकिन साथ में हरिनाम नहीं हुआ तो सब व्यर्थ। हमारे पूर्वज आप यदि देखें पलक पर, हमारे पिता, उनके पिता, उनके पिता क्या करके गए, इतना श्रम करके गए, इतना परिश्रम करके गए, संसार की समस्त वस्तुओं को पैदा करने में, संसार की समस्त भौतिक वस्तुओं को ग्रहण करने में उनका जीवन चला गया। और सच्चाई ये है कि हम अपने दादा के दादा के दादा का नाम भी नहीं जानते। कोई अपने परदादा के परदादा का नाम बता दे तो बहुत बड़ी बात है, उससे आगे बड़ी कोई नहीं जानता। कारण यही है कि मनुष्य संग लगता साधारण है और ये ऐसा अनमोल तन है जो अनमोल भगवान को प्रदान कर देता है। इस तन के माध्यम से हम हरि भजन कर सकते हैं। भगवान ने अपने जैसा स्वरूप इस तन को बना करके दिया। मनुष्य तन जो है ठीक ठीक भगवान की इंद्रियां, ठीक ठीक भगवान का मुखारविंद, उनके चरण कमल, इस प्रकार से मनुष्य जो हम लोग हैं, ऐसी आकृति हमें प्रदान की कि तुम इस शरीर में रहकर के मुझे जान पाओगे। और इस सनातन धर्म को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें सबसे बड़ी कड़ी, जो सबसे बड़ी मेरी बात मैंने कही कि गॉड इज वन, भगवान एक है। यहां महाराज की कथा में आप समझेंगे भगवान एक कैसे। भगवान अगर देखा जाए सीताराम ये भी दो हुए, भगवान राधा कृष्ण ये भी दो हुए, तो भगवान एक कैसे? राधा कृष्ण दो नहीं, वस्तुतः एक है। दोनों एक होकर के कौन बनते हैं? आप लोगों ने शायद यहां जो भागवत के लोग हैं अभी नाम ना सुना होगा, राधा कृष्ण का जो मिलित रूप है वो है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जो एक रूप में, तो बोलो चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु आज से 520 वर्ष पूर्व बंगाल में प्रकट हुए, जो और कोई नहीं है, कृष्ण ही है। और राधा रानी की अंग कांति को लेकर के यहाँ पर प्रकट हुए, शुद्ध भक्ति का उन्होंने सुंदर तरीके से हरि नाम के द्वारा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, ये कलयुग का महामंत्र, इसको सबको वितरित किया, प्रदान किया और सुंदर तरीके से भगवान की जो शुद्ध भक्ति है उसको प्रकटित किया। तो ये सारी कथाएं हम जानेंगे इस कथा के माध्यम से
आज कृपा करके हमारे शिक्षक गुरुदेव यहाँ विराजमान हैं। समय काफी हो गया है, समय ज्यादा ना लेते हुए उनसे निवेदन करूंगा कि कथा का शुभारंभ करें और बदल बदल कथाएं हमें श्रवण कराएंगे। धन्यवाद। ओम ज्ञानीराम ज्ञान सलाकया चक्षुर्मीलित तस्म श्री गुरव नम गुरवे गौरचंद्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे कृष्ण प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश सहपिता कंत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाये तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतये नमो नमः। तमादि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहि भागवतं स्वरूपं जयं प्रभजन्तमनुपीतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातर आयुभाव पुत्रीति तन्मयतया करमो विनेतुं स्तन सर्वभूतहृदयं मुनिमान तस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द सभी पर हाथ रख लो। बोले हरे कृष्ण आप लोग कोई बोल नहीं रहे जोर से। बोले हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। अरे बार जोर करके बोले हरे कृष्णा हरे 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 राम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करना। तत्पश्चात मेरे सिद्धा गुरुपाद पद्म नितलीला विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्रीमद भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता। हरे कृष्ण आज हम लोग का बहुत बढ़िया दिन है क्योंकि हम सबके साथ ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। इसलिए संतों का कहना है जगत में
ऐसे कुछ काम है, अगर हमारे पास में पैसा हो, जो काम को हम पैसा के बल पर रख सकते, जगत में ऐसे कुछ काम है, अगर हमारे पास में चंद बल हो, लोग हमें मदद कर रहे हैं, जो काम को हम कर सकते, लेकिन जगत में ऐसे कुछ काम है, अगर हमारे पास में मन की बल हो, जो काम को हम कर सकते हैं, लेकिन जगत में जो सबसे बड़ा बल है ये आत्मा बल है। अगर हमारे पास में आत्मा बल हो जो काम को कर सकते हैं, लेकिन बात करके मत लो, एक जो श्रीमद् भागवत कथा आप लोग ने रखा है, ये संतों का कहना है, इसको कोई पैसा के बल पर नहीं रख सकते, कोई इसको जन्म का बल पर नहीं रख सकते, कोई इसको मन की बल पर नहीं रख सकते हैं, न तो कोई आत्मा की बल पर रख सकते हैं। बोले किसकी बल पर कथा रख सकते हो? बोले जब तक ठाकुर जी की बाक्य बिहारी जी की कृपा बल नहीं हो, ये कथा कोई रख भी नहीं सकते हैं और ये कथा कोई सुन नहीं सकते। संत आज सब ऊपर में ठाकुर जी की विशेष कृपा जो कि श्रीमद् भागवत कथा बात करके लोगों ने भक्त लोगों ने ये कथा रखी। एक बार ये भागवत की जयकार कर बोले श्रीमद् भागवत कथा जयकार में आना नहीं आया, कोई पहले और कोई जय के, जो जितने जोर से भागवत का जय देगा ना उतना पाप खत्म होगी और उतना पुण्य मिलेगा। जोर से बोलो बोले श्रीमद् भागवत कथा इसलिए श्री शंकर जी माता पार्वती को ये बात कहते हैं, बोले पार्वती जगत में सब चीज आसानी से मिल जाती है, लेकिन पार्वती की जो श्रीमद् भागवत कथा आसानी से नहीं मिलती। देखो शंकर जी क्या कहते हैं, बोले सत संगति दुर्लभ पास सारा, सत संगति दुर्लभ पास उड़ जाएगा, इसलिए सबके सब कीर्तन में
ताली बजाना। इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती ये जो श्रीमद भागवत कथा है जगत में बड़ा दुर्लभ है। साधारण भाग्य से पार्वती ये भागवत कथा सुनने को नहीं मिली, बड़ा दुर्लभ है। मैया पार्वती कहती है प्रभु दुर्लभ का देखो ये सुलभ होगी। जिन लोगों ने भागवत कथा के लिए प्रयास किए बेहतर लगाए दरवाजा दरवाजा पर गए सबको नौता दिए भागवत कथा हो रही है आओ भागवत कथा सुना है। कितने आज सगर भी कलश यात्रा होगा है, कलश यात्रा भी बागपत में निकली। कौन कौन कलश यात्रा थे इसलिए इतना निमंत्रण दिए कथा हो रही है कथा हो रही है सत्य सर आओ। इसलिए माता पार्वती कहती है मेरे प्रभु आप कहते हो भागवत कथा दुर्लभ है कि दुर्लभ नाते में सुलभ है भागवत कथा वाली। लेकिन इस संकट की कहते पार्वती आप तो यही सब अति कठिनाई राम कृपा में तो आई नहीं। बोले पार्वती कथा में सहज में कोई नहीं आएगा पार्वती। बोले आप तो यही सब अति कठिनाई बहुत ही कठिन है लेकिन जिसको पता चले कि यहाँ पर ऐश्वर्य आ रही है नहीं तो साधु खान आ गया नहीं तो अमिताभ बच्चन हेमा मालिनी आ गया। बताओ ये मंदिर में ये धर्मशाला में प्यार रहने की जगह मिलेगी बोलो प्यार रहने की जगह मिलेगी। देखना एक घंटा दो घंटा आगे आगे की कथा में यहाँ पर इंतजार करके कब आएगा कब आएगा। लेकिन यहाँ पर कथा के समय क्या 6 बजे लेकिन हम लोग कितना बजे आएगा कितना बजे आएगा। इसलिए श्री शंकर जी कहते हैं पार्वती आप तो यही सरपति कठिनाई लेकिन राम कृपा बिनु आई नहीं। बोले जब तक भगवान राम की कृपा नहीं हो जब तक श्री बाकी बिहारी की कृपा नहीं हो पार्वती ये संसार सभी कथा में नहीं आ सकते। फिर पार्वती प्रश्न करती है प्रभु अरे ये भागवत कथा में कौन कौन आते हैं ये कथा में ये जो बच्चे खेल रहे हैं प्रभु जी ये बच्चों को बाहर भेज दो ये बच्चों को सब बाहर भेज दो बाहर खेलो बाद में आ जाए। इसलिए शंकर जी पार्वती प्रश्न करती है प्रभु अरे ये कथा में कौन कौन आते हैं। देखो शंकर जी क्या कह रहे हैं बोले अति हरि कृपा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, 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 Hare
अपने तौर पर आए। उदाहरण दिया भगवान कृष्ण जब वृंदावन में बंसी बैठक नीचे बंसी बजाए, बोले ब्रज में कितने लोग थे, उनकी सखाएं थी, इनकी माताएं थी, उनको गुरुजन और ब्रज की भूमिया थी। लेकिन भगवान के बंसी बजाए सब नहीं आए, बोले कौन कौन आए, बोले कृष्णा जी को बुलाना चाह रहे थे, वही लोग आए। बोले कृष्णा किसको बुलाना चाह रहे थे, बोले अपना गोपियों को बुलाना चाह रहे थे, इसलिए वहां के मतलब गोपियां आई और सब नहीं आई। इसलिए ये धर्म चलाए ना, कौन सा धर्म चला, स्वर्णदान। इसलिए ये स्वर्णदान धर्म चला नहीं है, यहाँ पर वाक्य विहार में बंसी बजाएगा। लेकिन कौन कौन ये बंसी की आवाज किसको किसको कान में पड़ी, बोले कन्हैया जिनको बुलाना चाह रहे, वाक्य विहार जिसको बुलाना चाह रहे थे ना, वही व्यक्ति ही यहाँ पर आए। लेकिन यहाँ का बंसरी आवाज बागपत में तो बजाए, लेकिन इसका आवाज बड़ौदा तक भी गई है, इसलिए यहाँ पर कुछ बड़ौदा की गोपियां भी आए और बड़ौदा के कुछ भक्त लोग आए। लेकिन यहाँ पर जो बागपत के जो भक्त लोग हैं आवाज तक गई, लेकिन प्रभु जिसको बुलाना चाह रहे थे ना वही व्यक्ति आए ही। इसलिए आप लोग जो कथा सुनने के लिए आए ना, अति हरी कृपा जा कर हुई, शंकर जी कहते पार्वती तभी ये कथा रूपी गंगा में वही आ करके डुबकी लगा सकते। बोले कौन, बोले जिसको ऊपर में भगवान की डायरेक्ट कृपा हुई है। उदाहरण दिया जैसे आपके घर में शादी हो रही है, नहीं तो आप बच्चे का बर्थ डे मना रहे, बताओ तो उसमें कौन कौन आएगा, आप जिसको नौकर हो। अगर घर को पास में किसकी घर हो, अगर आप उसकी मंत्र को पढ़ दो वो आएगा नहीं। अगर हजार किलोमीटर में अगर कोई है लेकिन आप उसको मंत्र में डाल के रखो, आएगा नहीं, आएगा। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती ये जो भागवत कथा है, ये कथा में कौन कौन आ रहे हैं, बोले भगवान कन्हैया बांके बिहार जिसको नौता दिया ना, जिसको निमंत्रण काट दिया, अभी तो फोन भी आ गया, निमंत्रण की जरूरत नहीं, फोन का हेलो बोल दो आवाज चली जाती है। इसलिए मानो बांके बिहार ने आपको फोन किया, बांके बिहार ने तुम्हें फोन किया, भैया कथा रूपी गंगा में आ जाओ, यहाँ पर भागवत कथा हो रही है। इसलिए संत लोग भगवान की जिसको ऊपर में विशेष कृपा हुई है वही व्यक्ति भी ये भागवत गंगा में वही गोता लगा सकते हैं। एक बार भागवत की जय कर लो, बस श्रीमद् भागवत कथा प्रचार की जय, जय श्री राधे। बलेश्वर के सत्य चैलासे वैकुंठे नास्ते अपरस अतः पिबत तो सद्भाग्य। से सुखदेव गोस्वामी कहते बल्कि आज जो सौभाग्य हमें मिला है, यदि ये सौभाग्य स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनकी सौभाग्य नहीं मिलता। हम लोग आगे सुनेंगे, जब से सुखदेव गोस्वामी ये श्रीमद् भागवत कथा परिपथ को सुनाने जा रहे हैं, स्वर्ग से जितने देवता को इंद्र चंद्र वायु अरुण ब्रह्मा शंकर आदि जितने देवता ये सत्य सब स्वर्ग से अमृत कलश लेकर के आए। बोले हे सुखदेव गोस्वामी परिपथ को क्यों कथा सुना रहे हो, इनको श्री कृष्ण ने अभिशाप दिया ना, सात दिन में मरेंगे। बोले हाँ, बोले हम अमृत कलश लाए, लो ये पूरा के पूरा ही अमृत कलश है, अब ये अमृत कलश परिखित को मिला लो ये अमर हो जाएगा। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत कथा हमें थोड़ी सी कथा सुना, लेकिन देखो ये भागवत कथा की कितने महिमा, श्री सुखदेव गोस्वामी देवता को बदल दिया, वहां से भगा दिया, वहां से कथा नहीं सुन सकते हो। कहते वो कथा को मणिर मान हो, उदाहरण देते जैसे कोई काज के टुकड़े लाओ, एक व्यक्ति को बोले ये काज के टुकड़े लो,
और तुम्हारे पास में जो मणि है ना वो मणि हमें दे दो भक्तों के। बल्कि जो श्रीमद भागवत कथा की कथा नहीं, ये कौन है? बल्कि साक्षात वाक्य भी है, ये साक्षात वाक्य भी आ गई। इसलिए भागवत में बताए बोले कृष्णा स्वधाम उपगते धर्म ज्ञाना कलौ नष्टाद समेत पुराण पुरुषादुनागतम। बोले ये भागवत ग्रंथ में क्यों आए? बोले जिस समय भगवान वाक्य बिहारी ये संसार छोड़ करके जा रहे हैं वहीं पर श्री उद्धव जी थे। बोले प्रभु आप तो ये दुनिया छोड़ करके जा रहे हो, इन्हें क्या करें? हम तो सारा जीवन एक साथ रहे खाए सोए, आप तो ये दुनिया हमें छोड़ करके जा रहे हो, अभी बताओ मैं क्या करूं? मैं अभी किसका आश्रय लूं? कृष्ण स्वयं वाक्य बिहारी कह रहे हैं, बोले देखो उद्धव मैं एक स्वरूप में तो ये संसार से जा रहा हूँ लेकिन कलयुग में मैं दूसरे रूप में रह भी रहा हूँ। उद्धव जी ने कहा प्रभु कलयुग में आप किस रूप में रहोगे? बल्कि जो श्रीमद भागवत ग्रंथ है ये श्रीमद भागवत ग्रंथ नहीं प्रत्येक अयम वाक्मय भगवान सत्य ब्रह्म रूप में ये ग्रंथ रूप में ये कलयुग में भागवत रूप में विद्यमान। कलयुग में जो व्यक्ति ये भागवत कथा सुनेगा बोले भागवत कथा सुनना और वाक्य बिहारी से मिलना कोई अलग नहीं। हम कथा नहीं सुन रहे हैं, साक्षात वाक्य बिहारी से हम मिल रहे हैं। ये कथा नहीं, ये स्वयं ठाकुर जी है। बस ये वाक्य बिहारी लाल की इसलिए कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने लगी। कहते भैया ये भागवत कथा उनकी नसीब में नहीं मिला। मतलब क्या है? बोले जो व्यक्ति ये भागवत कथा सुन रहे हो कहते आप देवताओं से भी ज्यादा पुण्यात्मा, देवताओं से भी ज्यादा पुण्यात्मा है जो भागवत कथा जो सुन रहे हो। सुखदेव गोस्वामी कहते भैया स्वर्ग की बात ही छोड़ दो। बोले स्वर्ग सत्य कैलाश बोले सत्य लोग मतलब है ये ब्रह्मांड का सबसे ऊंचाई लोग जहां पर पितामह ब्रह्मा रहते हैं जिसको ऊपर में कोई लोग नहीं, इसी ब्रह्मांड का सबसे ऊंचाई लोग है। आप लोग जो कथा सुनने के लिए आए कितने दूर से आए? कुछ लोग तो बड़ों से आए 20 किलोमीटर से, कुछ लोग 1 किलोमीटर से, कोई आधा किलोमीटर से, कोई 2-4 किलोमीटर दूर से आए, इतना है ना। लेकिन इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते जब भागवत कथा होना ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से ब्रह्मलोक अरब खरब किलोमीटर क्या सबसे ऊंचा लोक है कहते वहां से भी पितामह ब्रह्मा वहां से भी कथा सुनने के लिए आते हैं। फिर गोस्वामी जी क्या कहते हैं बोले कथा है जो दे थे भावना बिहारी कथा भागवत कथा कितने दुर्लभ है। इसलिए
ब्रह्मा जी भक्त लोग सभी कथा सुनने के लिए आते हैं। देखो ध्यान देकर सुनो, यहाँ पर कहते जो कथा है ना भैया, मुझे अकेले सुनने के लिए बताओ। अगर देवियाँ आए तो अपना देवता को लेकर के आओ, अगर देवता अगर पति आए ना जो पति को लेकर के आओ, अकेले बताओ। देखो जब स्वर्ग से देवता आए अकेले नहीं आए, वो देवियों के साथ में आते हैं। लेकिन जब ब्रह्मा जी आए कथा हेतु विधि भवन बिहाई सुनी बंदा सार दे, सार दे को नहीं, ब्रह्मा जी का जो पत्नी वो अपना पत्नी को लेकर के आए, अकेले नहीं आए, समझ रहे हो? इसका मतलब कथा अकेले नहीं, दोनों दोनों आनी चाहिए। बोले क्यों? हम दोनों क्यों आए, अकेले के भी नहीं आए। देखोगे जैसे आप साथ में भी कथा सुनोगे ना, साथ में भी कथा सुनने के बाद देखोगे पूरा तुम्हारी जीवन बदल जाएगा। गले में बैठी बैठोगे, तिलक बनाओगे, समय को नष्ट नहीं करोगे। क्यों? तुम्हें पता चलेगा कि जीवन कितने सुंदर है। जिसको भगवान राम कहते भगवान अयोध्या वासियों को समझाते हैं, देखो ये जो मानव शरीर है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और कहां पर? बोले भारत में जन्म लेना, विदेश में नहीं, अमेरिका, लंदन, फ्रांस नहीं, भारत में जन्म लेना, फिर हिंदू घर में जन्म लेना, फिर बागपत में जन्म लेना, तो बड़े भाग्य की बात है। हम लोग की तारीफ ही लगाए इतना यदि बागपत में जन्म लेना भी बड़ा भाग्य की बात है। लेकिन आपको जब ये मानव शरीर की दुर्लभता पता चलेगा ना, फिर आप समय को बर्बाद नहीं करेंगे। जैसे आप देवियां आई, पत्नियां आई, जब पता चलेगा जीवन दुर्लभ है, सहज में मानव शरीर नहीं मिलता, बोले जीवन क्यों मिला? बोले साधन धाम मोक्ष कर, ये 84 लाख जीवन में एक ही जीवन हमें मिला है, जिस एक ही जीवन में भगवान की भक्ति कर सकते, एक ही जीवा मिला जिसमें हम कृष्ण कृष्ण राम राम बोल सकते, दो ही हमें कान मिला जिसमें ठाकुर जी की कथा सुन सकते हैं, दो ही हाथ मिले जिसमें ठाकुर का सेवा कर सकते हो, दो ही तुम्हें चरण मिला है जो कि घर से यहाँ तुम चल करके आए, फिर क्या करोगे? अगर देवियां कथा सुनने के लिए अगर पत्नियां आई फिर क्या करोगे? समय को बर्बाद नहीं करोगे, समय मिलेगा टीवी नहीं देखोगे, समय मिलेगा ना फिर माला लेकर ठाकुर का नाम करोगे, गीता भागवत पढ़ोगे। अगर देवता लोग नहीं आए, मतलब पति नहीं आए, पति लोग यहाँ ताना मारेंगे, बोले भैया कौन सा बाबा के चक्कर में पड़ गई हो, पहले बोलते सिनेमा ले चलो घूमने, अभी तो समय मिलते गीता भागवत माला लेकर बैठ जाते। अगर पति लोग कथा सुनने के लिए आए, अगर उनको बड़ी रंग चढ़ी तो बोले वो भी समय को नष्ट नहीं करेंगे, इधर उधर किधर उधर की बकवास में समय को नहीं बिताएंगे, वो भी मजा नहीं करेंगे। फिर पत्नियां बोले काम धाम कुछ नहीं, जब देखो गीता रामायण माला लेकर बैठ जाते, वो भी ताना मारो। अगर दोनों कथा सुनने के लिए आओ, अगर दोनों के ऊपर रंग चढ़ना, देखना गाड़ी बढ़िया चलेगी, गाड़ी बढ़िया चलेगी, दोनों मिलकर कीर्तन करोगे, दोनों मिलकर के सत्संग में जाओगे, दोनों मिलकर के भजन करोगे। इसलिए यहाँ पर शिक्षा कहते भैया कथा दोनों सुनने के लिए आओ, अकेले नहीं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परिधीर भैया ब्रह्म लोग की बात ही छोड़ो, बल्कि जो भागवत कथा कैलाश है जहाँ पर श्री शंकर जी कहते हैं भैया की कथा कैलाश में नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं बोले एक बार त्रेताया योग Bye.
पार्वती दोनों कथा सुनने के लिए कैलाश लोक से मध्य जगत में आए। बोले कहा बोले श्री अगस्त ऋषि के आश्रम में जब कथा सुन करके जा रहे थे, भैया कथा सुनने का फल क्या? बोले भगवत दर्शन। अभी शंकर पार्वती कथा सुन करके जा रहे थे, इतने में रावण ने माता सीता को दगा दिया। इतने में भगवान राम हासते करके लता पता वृक्षों को प्रश्न कर रहे थे, मेरी सीता को कहीं देखे हो? इतने में सती की शंका हो गई शंकर जी ऊपर, क्यों? शंकर जी सती को लेकर परिक्रमा कर रहे थे। इतने में सती ने प्रश्न की, बोले प्रभु आप किसको परिक्रमा कर रहे हो? आप मेरे को जो परम ब्रह्म श्री राम की कथा सुनाते हो, ये क्या वही परात्पर राम ना साधारण व्यक्ति? इतने में शंकर जी ने देखा, भैया ये सती को जितने उसको समझा हार दिया, अभी भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं। इतने में सती कहती है शंकर जी को, देखो मैं लिखी पढ़ी हूँ, अनपढ़ पढ़ी हूँ, मैं लिखी पढ़ी हूँ, ऐसे बोलने में मैं नहीं समझू, मैं तो परीक्षा करूंगी। देखो बोले जगत में पांच पद है, आप सारा दुनिया को समझा दो, लेकिन देखना पांच पद को नहीं समझा सकते। जानते हो पांच पद क्या है? ध्यान देकर सुनो। पहला नंबर पति, देखना पति सारा दुनिया को समझाएगा लेकिन अपना पत्नी को सही समझ सकते। पत्नी उल्टा बोले बोले ये मेरे को क्या समझाए, इसको तो इनको समझाते समझा तुम्हें आ रही है। इसलिए पहला नंबर पत्नी को देखना, सारा दुनिया को राजा शासन करना है, पत्नी को नहीं। घर में आकर राजा का बात नहीं चलती, घर में पत्नी की बात। घर में आते ही पहले तो उनको डांट पड़ता है, इतना देर किया घर में सब्जी नहीं दाल नहीं, बच्चों को कौन पढ़ाएगा, इतने देर कर दिया, पहले पत्नी की डांट सुननी पड़ता। पहला नंबर पत्नी। बोले दूसरा नंबर बोले पुत्री, पुत्री मतलब होता है बेटी, सारा दुनिया उनको बात सुन लिया, बेटी की बात नहीं सुनेगा। तीसरा नंबर है पुत्र, पुत्र मतलब बेटा है, सारा दुनिया को पढ़ा ले, अपना बेटा को नहीं पढ़ा सकता। तीसरा नंबर है परिवार, चौथा नंबर है परिवार। देखना सारा दुनिया तुम्हारी बात सुनेगा लेकिन परिवार लोग भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। और जो पंचमा पद है ना, जो पड़ोसी, सारा दुनिया में तुम्हारी पड़ोस में देखना चाहिए, पड़ोसों के साथ में लड़ाई झगड़ा पड़ोसों के साथ में। इसलिए पार्वती को उन्हें समझा है लेकिन समझा नहीं पाए। हाँ यहाँ बता रहे हैं शंकर पार्वती भी ये कथा सुनने के लिए कहाँ से आते हैं? कैलाश से कथा सुनने के लिए आते हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते पर भी ये भागवत कथा कैलाश लोक में भी नहीं, कहते कैलाश लोक में छोड़ दो। बोले वैकुंठ नास्ते अमरस, कहिए वैकुंठ में भी ये भगवत कथा नहीं। आप लोग रामायण सुने होंगे, बोले जिस समय भगवान राम ये मर्त्य जगत छोड़कर वैकुंठ लोग जा रहे हैं, लेकिन वहां पर देखा सबके सब लोग वहां पर है लेकिन एक व्यक्ति को देखा ही नहीं। बोले किसको? बोले श्री हनुमत लाल को। बोले भैया हनुमान जी कहां गया? क्योंकि हनुमान कभी प्रभु को छोड़कर रहता है, इसलिए कहते हैं ना दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, भगवान राम ने कोई हनुमान जी कहा है, हनुमान को ढूंढो। हनुमान जी को ढूंढते ढूंढते देखा हनुमान जी एक कोने में बैठ करके रघुपति राघव राजा राम, उसके बाद में पति पावन सीताराम प्रभु का नाम जप कर रहे थे। पहले हनुमान जी देखो ये पूरा बैठ
अर्जुन कहवास की तैयारी वैकुंठ जाने के लिए, तो वैकुंठ नहीं जाओगे? देखो ध्यान देना, सुनो, हनुमान जी कितनी बड़ी बात बताए। हनुमान जी बोले प्रभु आपकी वैकुंठ में क्या आपकी कथा सुनने को मिलेगा? ये भागवत रामायण में प्रभु की कथा सुनने को मिलेगी? बोले हनुमान जी जब मैं स्वयं वहां पर हूँ, पर कथा की क्या जरूरत है, मैं वहां पर हूँ ना। देखो हनुमान जी क्या कह रहे हैं, बोले प्रभु आप जहाँ पर हो सकता है वहां पर हमारी कथा नहीं, लेकिन जहाँ पर तुम्हारी कथा है ना, वो 100% आप वहीं रहते हो जहाँ पर तुम्हारी कथा हो रही है। इसलिए जहाँ पर तुम्हारी कथा रही, बोले सुरेश्वर लोक अपनी 90% वो ब्रह्म लोगों क्यों नहीं हो, वो वैकुंठ लोगों क्यों नहीं हो, वो स्वर्ग लोगों क्यों नहीं हो, जहाँ पर तुम्हारी कथा रही मैं वहां जाना नहीं चाहता हूँ, मैं तो वहीं रहना चाहता हूँ जहाँ तुम्हारी कथा। भगवान राम ने पूछा हनुमान जी कब आओगे? बोले प्रभु तब तक इसी मर्त्य जगत में रहूंगा जब तक तुम्हारी कथा चल रही है। इसलिए आप कहना रामायण कहीं हो ना, सबसे पहले हनुमान जी की तस्वीर वहीं पर लगता है। हनुमान जी की तस्वीर सबसे पहले वहीं लगता है, क्यों? राम कथा के सबसे बड़ा रसियासी हनुमत लाल जी। इसलिए बोले कब आओगे? बोले जब देखूंगा यहाँ पर तुम्हारी कथा ही, तुम्हारे कीर्तन सत्संग नहीं, फिर तो एक सेकंड के लिए भी यहाँ नहीं होगा, फिर मैं छोड़ करके तुम्हारी वैकुंठ धाम को चला जाऊंगा, वैकुंठ धाम में। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते करके जो श्रीमद भागवत कथा है ये इतने दुर्लभ है, बोले वैकुंठ नास्ते अपरसा। इसलिए देखो गोस्वामी जी क्या कहते हैं, बोले काया वो करोड़ा जहाँ बसा एक सोता, काया वो करोड़ा जहाँ बसा एक सोता, आ काया वो करोड़ा जहाँ बसा एक पता चले गई भागवत कथा हो रही है, ये गरुड़ जी कहाँ छोड़ करके आते हैं? बोले वैकुंठ, कहाँ? वैकुंठ भगवान की धाम गरुड़ छोड़ करके कहाँ आते हैं? मरते जगह। देखो ये बागपत के भक्तों का कितना सौभाग्य है, आप लोग जो कथा सुनने के लिए आए ना, इसकी सौभाग्य गोस्वामी जी कहते हैं, कहते देवताओं को कथा सुनना हो तो उन्होंने देवलोक छोड़ा, स्वर्ग छोड़े, ब्रह्मा जी को कथा सुनने की इच्छा हो तो ब्रह्म लोक को त्याग दी, शंकर पार्वती को कथा सुनने का इच्छा हो तो कैलाश छोड़े, और श्री हनुमान जी को गरुड़ जी को कथा सुनना तो कहाँ छोड़े? वैकुंठ छोड़े। लेकिन बागपति के जो भक्त है, आप जो बागपति के जो भक्त है कथा सुनने के लिए आपने कुछ छोड़ा है? बोलो कुछ छोड़े? घर का कुछ छोड़े? कुछ भी नहीं छोड़े। ये कथा रूपी गंगा स्वयं बहते बहते ये वृंदावन से आपके घर के सामने आ गया, और हम घर में बैठ बैठ करके ये कथा रूपी गंगा में हमने स्नान कर लिया, मतलब है हम लोग बड़ी पुण्यात्मा है। इसलिए सुखदेव स्वयं कहते हैं, बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभ्यम। बोले भागवत कथा सुनने का सौभाग्य कब होता है? बोले भैया एक जन्म नहीं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम। अगर करोड़ों करोड़ों जन्मों का कोई पुण्य उदय होना, तभी ये भागवत रूपी गंगा में
वो ताल लगने का में सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए आप लोग बड़े सौभाग्यवान जो कि आपके घर घर को पास नहीं कथा हो रही है और हम बैठ बैठ कर कथा गंगा में स्नान कर रहे हैं। बोले श्रीमद् भागवत कथा वृंदावन की। आप लोग जयकार जी से मुझे लगा जो जितने जयकार लगाएंगे ना उसको उतना पाप जाएगा उतना पुण्य हो गया होगा। आपके पास झगड़ा होगा अगर गांव किसी पड़े में ना दूसरे मन में पता चल जाएगा कि कुछ हो रहा है और आप जयकार कह रहे हो मेरे को ना आवाज दिया है। हाँ जोर से बोलो बोले श्रीमद् भागवत कथा वृंदावन की। देखो अभी प्रश्न यहाँ ये होता है। देखो हम कलियुग का जीव है, कलियुग का जो जीव है सबसे पहले अपना फायदा लेना है। यहाँ जाने से हमें क्या फायदा लेना है जो कलियुग का जीव है ना, पहले फायदा देख करके फिर कोई काम करना है। अभी प्रश्न है हम लोग किसी धर्मशाला में 7 दिन तक कथा सुनेंगे, 2-2 घंटा 3-3 घंटा यहाँ पर बैठेंगे कथा सुनेंगे। यहाँ प्रश्न होता है कि भाई यहाँ पे मिलेगा क्या? हाँ इसी समय को अगर घर में बैठे अपना दुनियादारी में लगा देंगे तो हमारा कुछ लाभ होगा, पर हमें यह समय को यहाँ क्यों बर्बाद करेंगे? किसे बर्बाद करके 2-2 3-3 घंटा क्यों बैठेंगे? कहते भैया ये भागवत कथा में तुम्हें जितने फायदा होगा ना, दुनिया में कोई भी बिजनेस में तुम्हें इतने प्रॉफिट होने वाले नहीं, सबसे ज्यादा लाभ भागवत कथा में। इसलिए भागवत में ये बात उसे राधा रानी स्वयं कहती है। बोले कब कहती है? जब भगवान कृष्ण रास कर रहे थे, रास से जब राधा रानी मान करके चली गई, फिर गोपियां आकर कृष्ण भी राधा रानी को लेकर चली गई। अभी गोपियां कृष्ण विरह में रो रहे थे। बोले एक काम करो, कृष्ण को उनका भजन बड़ा पसंद है, चलो हम जमुना किनारा में बैठ करके कृष्ण की भजन गाएं, क्योंकि कृष्ण को अपना भजन बड़ा प्यारा है। तब कृष्ण की जब भजन गा रही थी उसमें एक श्लोक है जिस पर श्री राधा रानी कह रही है अगर कथा सुन दो ना, कथा सुनने पर आपका 7 लाभ होगा। कितना लाभ होगा? कितना होगा? 7। अभी मैं बताऊंगा 7 लाभ क्या होगा, फिर मैं कल आपसे पूछूंगा। जो बोलेगा ना मैं इसको बढ़िया इनाम दूंगा, ठीक है ना? देखो कथा सुन करके अपना घर में जाओ, बच्चों को भी सुनाओ, पतियों को सुनाओ, सबका भी कल्याण होगा ना। ऐसे नहीं यहाँ सुने और कथा कथा हम भी बता, ठीक है ना? अब मैं बताऊंगा 7 लाभ क्या, ध्यान करके सुनना, ठीक है? देखो एक समय कथा कैसे सुननी चाहिए। एक समय एक व्यक्ति एक दुकान में मूर्ति खरीदी करने गया, देखा वहां पर 3 मूर्ति है। पूछे भैया ये मूर्ति का क्या कीमत? बोले पहला नंबर जो मूर्ति इसका कीमत 100 रुपया। बोले दूसरे नंबर बोले 200-500 रुपया। बोले तीसरा नंबर बोले 5000। बोले क्यों? ये तीनों मूर्ति तो बराबर है, अब इतने फर्क क्यों? बोले एक काम करो 3 ग्लास दूध लेकर के आओ, अभी मैं फर्क दिखाता हूँ। जिसका कीमत था 100 रुपया, जब उसको कान में दूध डाला ना वो जिधर डाला उधर निकल कर आ गया। बोले इसका कीमत है 100 रुपया, मतलब क्या? ये जो कुछ सुनता है वो इधर का सुनता लेकिन उधर निकाल देता। अभी दूसरे मूर्ति बोले इसका कीमत कितना? बोले 5 रुपया। उसको कान में दूध डाला, एक कान में डाला दूसरे कान में निकल कर आ गया। बोले इधर सुनता पहले लेकिन इधर सुनकर इधर निकाल देता, इसलिए इसका कीमत 5 रुपया। जिसका कीमत 5000 था उसको कान में दूध डाला तो एक बूंद बाहर नहीं निकला, सब के सब अंदर में चला गया। बोले ये जो कथा सुनता है ना ये एक बूंद बाहर नहीं सब के सब अपना हृदय में ले लेता है, इसलिए इसका कीमत कितना? कितना आप बताओ? हम जो श्रोता कितने रुपया के श्रोता होने जाएंगे? 100 रुपया की नहीं, 5 नहीं, कितने की? 5000 की। देखो जो टीचर है ना वो स्टूडेंट नहीं बनाता है, टीचर सबको टीचर बना देता है, समझ रहे हो? जो शिक्षक है वो छात्र नहीं बनाता है, शिक्षक सबको
शिक्षक तो सबको शिक्षक शिक्षक बना देते हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं 7 दिनों में आप इतने ज्ञानी बनो। 7 दिन में इतने ज्ञानी बनना, जैसे 7 दिन में आप सबके सब एक कथावाचक बन गया, एक एक कथावाचक हो जानी चाहिए। घर घर में कीर्तन हो, घर घर में प्रभु का नाम हो, घर घर में प्रभु का भजन होना। इसलिए भागवत में बताए जिस घर में ठाकुर का भजन होगा कीर्तन होगा वो घर नहीं वही वृंदावन, वही वृंदावन बन जाए। हम चाहते हैं 7 दिन में इतने ज्ञानी बनो जैसे तुम्हारी घर घर में कीर्तन हो, घर घर में भजन हो, सब बच्चे भक्त बन जाए, उल्टा उल्टा काम नहीं करे है, भगवान की भजन करे, बस आपका घर ही 7 दिन में क्या बन जाएगी, भगवान की धाम बन जाएगी। बसी वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी क्या 7 लाभ अभी सुनेंगे, बोले तब कथा मृता
लेकिन कभी कभी आपको बाहर में सोच करके परिक्रमा पहचान नहीं होता है। बोले क्यों आपका दिखता है? बोले बोल करे कि आपका बात छोड़ा ना। बोले बात बताओ तो बोले बोल करे कि आप छोड़ा। देखो अगर माता माता को अगर कोई आधी बात बता दो ना, जब तक वो पूरी बात नहीं सुनेंगे पेट में रोटी नहीं बचेगी। हैं वो पूरी बात जब नारद जी बोले छोड़ो बोल कर क्या होगा माता है किसी ज्यादा पड़ेगी। बोले तेरे को बताना पड़ेगा बात क्या बताओ। बोले आपको पता है शंकर जी की दूसरा शादी है। देखो माता उनको हर चीज पहचान लेगी, लेकिन अगर उनको पता चले हमारे पति की और कोई पत्नी है अंदर अंदर में और किसको प्रेम करते हैं, माता ही ये चीज को कोई बचा नहीं सकती। बोले क्या बोल रहे हो शंकर जी और भी शादी किए कर रहे थे? बोले बताया। बोले प्रीति बल्कि यही बता रहा हूँ। बोले शंकर जी और कोई शादी? बोले हाँ बताया नहीं। बोले बताया नहीं बस माता पार्वती। बोले प्रमाण किया? बोले एक काम करना तुम जाकर के मान भवन में लेट जाओ। जब शंकर जी मनाने के लिए आएंगे उनको एक ही प्रश्न करना, बोले आपकी गले में जो मुंडक माला है सब रहस्य बचल जाएगी। बस नारद को भड़का दिए और भड़का के हुए नारद जी उठाए अपना पीना। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधारमण श्रीमद भागवत कथा है। ये कथा नहीं ये अमर कथा है।
ये कथा जो एक बार सुनेगा वो अमरत्व को प्राप्त करेगा। जब से मैंने ये कथा सुनी तब से अमर बनी मैया बोली प्रभु मेरे को भी सुना दो, आप भी अमर बनोगे मैं भी अमर बनूंगी, मैं मरते जा रही हूँ आप मर भी रहे हो, मेरे को कथा सुना। बोले चलो मैं तुम्हें अमरनाथ को लेकर कथा सुनाऊंगा। मैं शंकर जी पार्वती को अमरनाथ में ये कथा सुनाए। बोले पार्वती जब सुनाओ ना ओंकार व्रत रहना। बोले ठीक है। बोले श्रीमद भागवत कथा प्रताप की जय। शंकर जी कथा सुनाए, सुनाते सुनाते बीच में माता पार्वती सो गई। भगवत इच्छा से उस वृक्ष पर में एक तोता में बैठ कर की कथा सुन रहा था। मैया जब सो गई ओंकार भरना बंद हो गई। बोले तो मैया तो सो गई, शंकर जी कथा बंद कर देते मेरी भी कथा अधूरी रह जाएगी। इतने में वो तोता भी ओंकार भर रहा। बोले बड़ी प्यारी, उसको बाद में क्या हुआ, उसको बाद में। शंकर सुनाते 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 जा रहे। फिर जब कथा विश्राम हो गया बोले श्री वृंदावन मैया पार्वती चल गई। बोले बोलो इसको बाद में क्या हुआ। बोले मैं तो सो गई थी। बोले सो गई से लेकर ओंकार भर गई थी। बोले नहीं मैंने ओंकार नहीं भरी। शंकर जी ने देखा, देखो ये अमर है। दुनिया के लिए हानिकारक है। इसलिए शंकर जी ने देखा किसी ने सुनी ये अमर कथा, किसी ने छुप कर के सुने। देखा एक तोता बैठ गया कथा सुन रहा है। और वो तोता उड़ते उड़ते जब बद्री का आश्रम पर पहुंचा, वहां पर से प्यास ने अपना पत्नी को भी यही कथा सुनाई। और उसी समय वो जम्भाई ले रही थी और वो तोता उनकी गर्भ में प्रवेश कर गया। इतने में श्री व्यास देव जी बोले शंकर जी कहाँ से हाथते हाथते आ रहे हो। बोले बड़ा अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया। बोले एक तोता ने अमर कथा सुन ली। बोले अमर कथा का मतलब क्या। बोले जो सुनेगा वो मरेगा नहीं। बोले सचमुच से आप भोले ही हो, सचमुच से आप भोले ही हो, आप स्वयं कह रहे हो ये कथा जो सुनेगा अमर बन जाएगा। वो तोता जब अमर बन गया फिर मारने के लिए पीछा कैसे करते हो। शंकर जी बोले भैया बात सही बात है, अभी तक तो ये बात मैंने ध्यान में थी नहीं, अभी शंकर जी ध्यान लगाए। बोले क्यों। बोले कथा को कौन सुन सकते हैं। बोले एक जन्म नहीं, जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय हो तभी ये कथा कोई सुन सकते हैं। सब नहीं सुन सकते कथा को। फिर ये तोता कथा कैसे सुनी। अगर साधारण तोता होगा तो फिर शंकर जी ध्यान लगा, ये तोता एक हो। जब ध्यान लगाए शंकर जी सब लीला को दर्शन किया। बोले क्या देखा। बोले प्रिया सुत श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चोंबरीन एकातक नरहस्य पाठी निकुंज प्रसाद जनानिवास। उन्होंने क्या कहा शंकर जी। बोले भैया ये तोता कोई साधारण तोता नहीं, ये कौन है। जैसे भगवान राम जब अयोध्या छोड़कर गए श्री हनुमान को रख कर गए, उसी तरह जब कृष्ण ये जगत छोड़कर गए ये तोता को रख कर गए। ये तोता कौन है जो भगवान के निकुंज में रहता। कभी कभी कृष्ण उनका अनार की दाना खिलाया करते थे। बोलते थे बोलो तो श्री राधे राधे, वो राधे राधे बोलता था। कभी राधा रानी ने हाथ में बैठा करके बोलते थे बोलो तो कृष्ण कृष्ण, ये तोता भी कृष्ण कृष्ण बोलता था। एक समय से राधा रानी कृष्ण विरह में एक श्लोक उच्चारती थी, लेकिन वो तोता ने उस श्लोक को रट लिया और राधा रानी को हाथ से उड़ते उड़ते नंदगांव गया और एक वृक्ष के ऊपर बैठ करके राधा रानी की गला की आवाज जैसे बड़े सुंदर का भजन गा रहा था। बोले क्या गा रहा था। बोले राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल I'm not gonna
हार्दिक शाबाश और इतनी मीठी मीठी आवाज में कौन भजन गा रहे हैं। कृष्ण उसको बुलाया, वो तोता उड़ते उड़ते कृष्ण को हाथ में बैठ गया। बोले बोलो तो अभी क्या बोल रहा था। उसने चार लाइन का एक संस्कृत श्लोक बोला। ये तोता होकर के संस्कृत श्लोक बोलता है और राधा रानी की गला की आवाज जैसे। इतने में कृष्ण ने एक सोने की पिंजरा बनाया और उसका अध्ययन उन्होंने ये तोते को रख दिए। अभी राधा रानी बड़ी दुखी है, तोता कहाँ चला गया। एक सखी को भेजा, देखो तो तोता कहाँ पर। देखा कृष्ण तो हाथ में बैठा करके आहार की दाना खिला रहे हैं, उसको बड़ी लाड लड़ा रहे थे। सखी ने बोली देखो कन्हैया कि हमारी राधा रानी की पालता तोता है, इसको तू दे दे। राधा रानी बड़ी दुखी, बल अगर ये तुम्हारी पालता तोता तो बुलाओ मेरे हाथ से उड़ते हुए, अगर तुम्हारी हाथ में चले जाए ना फिर समझूगा भैया तुम्हारी पालता तोता तुम ले जाना। बोले कृष्ण तेरा नाम ही कृष्ण है। बोले कृष्ण का मतलब क्या है। बोले क्री मतलब होता है आकर्षण करना, खींचना, और स्ना मतलब होता है आनंदना, जो विश्व ब्रह्मांड को अपना तरफ में आकर्षण करते हैं और जो आनंद दे देते हैं। बोला बताओ दुनिया में ऐसे कौन सा जीव हो जो कि एक बार तुम्हारे हाथ में बैठे फिर तुम उसको लाल लड़ाओ फिर आनार की दाना खिलाओ तेरे को छोड़ सकता है। तो वैसे दुनिया को पागल बना कर रखे हो, हैं सारा दुनिया को तुमने पागल बना कर रखे हो। कृष्ण बोले भैया तोता फिर मेरे तोता तो बोले जाओ। फिर वो मैया जशोदा के पास में गई, बोले भैया हमारी राधा रानी की तोता उड़ते हुआ आ गया, कन्हैया देना नहीं चाह रहा है इसलिए तुम दिला दो। बोले बेटी कोई चिंता मत करो, कृष्ण जब गैया चराने जाएगा ना पीछे से मैं भेज दूँ। फिर उन्होंने पीछे से भेज दिया, इसलिए वही तोता है जब भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ कर गए यही तोता को छोड़ कर गए थे। भविष्य में तुम मेरी कथा को प्रचार करोगे, वही तोता ही श्री व्यास की पत्नी की गर्भ में प्रवेश की और श्री सुखदेव गोस्वामी रूप में प्रकट होकर के सर्वत्र की भागवत कथा को उन्हें प्रचार की। इसलिए शंकर जी ध्यानस्थ हो गए, सारे लीला को उन्होंने देखा, समझ गए, कथा सुनाना सार्थकता हो गया। क्योंकि यही तोता ही भविष्य में ये दुनिया में ये भागवत धर्म को प्रचार करेगा। शंकर जी परिक्रमा करते हुए प्रणाम किए और शंकर जी चले गए। पर वही तोता ही श्री सुखदेव गोस्वामी बन करके आए। बोले श्री सुखदेव महाराज की, श्री सुखदेव गोस्वामी की। देखो कथा सुनने का पहला लाभ क्या है। राधा रानी कह रही है जो कथा सुनेगा ना वो अमर बनेगा। कौन अमर बनेगा ये चीज को समझो। स्वयं जो देव देव महादेव, स्वयं जो सत्यम शिवम, सत्यम शिवम सुंदर, जो कि महाजोगि स्वयं कहते हैं मैंने ही ये कथा सुनकर अमर पद प्राप्त की। तब तक माता जी भी प्राण त्याग करते रहे, तब तक जब तक शंकर जी के मुंह से ही कथा नहीं सुनी। जब से उन्होंने कथा सुनी माँ स्वयं कहती है तब से मैंने ये अमरत्व को प्राप्त की। फिर समझो ये कथा की कितने महत्व है, जिसको स्वयं शंकर पार्वती भी सुन करके ये अमरत्व को प्राप्त की। अगर हम भी ये कथा सुनेंगे ना हम भी जरूर ये अमरत्व को प्राप्त करेंगे। इसलिए देखो जो जो सुने अमर बने, सुखदेव गोस्वामी अमर बने, परीक्षित अमर बने, ध्रुव अमर बने, प्रहलाद अमर बने, मीरा अमर बने, तुलसीदास अमर बने, हनुमान अमर बने कि नहीं, जगत में उनका नाम अमर है कि नहीं, जगत में सारा दुनिया जीव घर में पूजा कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम भी जगत में अमर बनना चाहते हैं तो क्या करनी चाहिए, भागवत कथा सुननी चाहिए। लेकिन देखो लेकिन अभी का जो यंग स्टार है, जो यंग बच्चे है ना, वो क्या चाहते हैं, हम तो बॉलीवुड में हीरो हीरोइन सब हैं, इनकी बड़ी तमन्ना हम बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बनेंगे। आप लोग ने श्रीदेवी का नाम सुने हो, कौन कौन श्रीदेवी का नाम है, बाद में पढ़ कर खत्म होगी। अभी जितने बड़े से बड़े हीरो है कब तक इनका नाम रख जगत में रहता है, आप बताओ। 10-20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे अभी कोई उनका नाम ले रहा है, बताओ कोई ले रहा है, नहीं ले। अभी जैसे मोदी मोदी जो की
क्यों अभी प्राइम मिनिस्टर मुख्यमंत्री है, अगर अगली इलेक्शन में नहीं आए कोई नहीं पूछे, मन मानो कोई पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। देखो कभी जगत में बड़े से बड़े प्रतिष्ठा दो दिन बाद सब खत्म हो जाएगी, लेकिन ये हीरो अगर बनना है ना, अगर हीरोइन बनना चाहते हो एक बार भगवान के भक्त बनकर के हीरो हीरोइन बन जाओ, वीरा जैसे एक बार हीरोइन बन जाओ, तुलसीदास हनुमान जैसे हीरो बन जाओ, जगन्नाथ जगत में जब तक रहोगे तब तक तुम्हारी दुनिया में पूजा होती रहेगी। ध्रुव प्रहलाद कब आए बताओ, 70 दिन में करोड़ों साल पहले ये ध्रुव प्रहलाद आए, अभी भी जगत में इनके नाम अमर है। अगर अमरत्व बनना चाहते हो ना, शंकर जैसे पार्वती जैसे अमरत्व बनो, कैसे, अगर भगवान की भक्त बनकर दिखा, ये जगत का हीरो हीरोइन नहीं, भगवान की भक्त बनकर तुलसीदास जैसे बन जाओ, हनुमान जैसे बनो, वीरा जैसे बनो, देखना दुनिया तुम्हारी घर में पूजा बन करेगी, ठीक है ना। इसलिए कथा सुनने का पहला लाभ क्या, अमरत्व प्राप्त करोगे। अभी हमारे प्रभु जी आपको सुंदर भजन सुनाएंगे, पर ये पहला लाभ है, तो 6 लाभ बताऊंगा ये कथा सुनने का क्या होता, ठीक है। बल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कि वृंदावन के बीच को मरम न जाने को, कि राम राम वनवास श्री राधे
बोट कैसे नज रही है और बोट कैसे नज रहे हैं, सब इसमें आ रहे हैं। अच्छा, जिनको नाचना नहीं आता है वो क्या करेंगे, एक बार इधर एक बार इधर सोई नाचना हो जाए, ठीक है। सभी लोग ताली बजाकर नाचते भाई भाई Yeah.
सभी यात्रा के स्पर्श बस बैठ गए। कथा सुनने का पहला लाभ क्या है? जो कथा सुनेगा वो अमर बनेगा। बोले कथा सुनने का दूसरा लाभ क्या है? बोले तब तक जीवन, तब तक जीवन का मतलब होता है हम संसार में सबके सब दुखी है। बात मत करो, एक बार हाथ जाके बोलो, बोले हरे कृष्ण संसार में सब दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी संसार में सबके सब दुखी है। कोई ननद से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई परिवार से दुखी। देखना संसार में हम सबके सब दुखी दुखी है। लेकिन यहाँ पर राधा रानी कहती है अगर कथा सुनोगे ना तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएगा, जितने सब दुख तुम्हारी सब दुख दूर हो जाएगी। देखो इसका प्रमाण, देखो ध्यान देकर सुनो। हम संसार में सब दुखी, कोई सुखी नहीं, सबके सब टेंशन में है। इसलिए देखना बेड बेड रूम को सेटिंग कर दिया, अपना डाइनिंग रूम को सेटिंग कर दिया, बाहर किचन रूम सब सेटिंग, लेकिन मन ही केवल अपसेट रहता है। सब सेट केवल मन ही अपसेट है। इसलिए हम संसार में सब दुखी दुखी। लेकिन एक चीज को देखो, आप देखना यहाँ पर 2-3 घंटा बैठोगे ना, अभी तुम्हारे संसार का कोई दुख तुम्हारी याद है? बोलो संसार की कोई दुख तुम्हें अभी याद क्या है? नहीं। कहते जो भगवान की कथा सुन रहे ना वो ठाकुर जी की गोद में बैठे, ठाकुर जी की गोद में बैठे हो। केवल कथा से बाहर निकलो, देखना सारे दुख आकर के सर को करते पहाड़ जैसे बैठ जाएगा। इसलिए कहते तब तक जीवनम, बोले कभी भी रीढ़ तब कलमस आपा। कथा सुनने से क्या होगा? जीवन का जितने तुम्हारी पाप, सारे पाप दूर हो जाएगा। कथा सुनने से चौथा लाभ क्या है? बोले जितने जीवन में जितना मंगल आ जाएगा। इसलिए बोले मंगल भवन अमंगल है भगवान की कथा। भगवान की कथा सुनेगा तो जीवन का सारे अमंगल दूर हो जाएगा। बोले श्री श्री मतलब होता है संपत्ति। अगर कथा सुनोगे तो जीवन में बड़ा संपत्ति, संपत्ति मतलब लक्ष्मी, घर में माँ लक्ष्मी की भी कृपा होगी। श्री मतलब होता है जस, श्री मतलब होता है जगत में नाम शोभा। जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनेगा उसका सारा दुनिया में जय जयकार होगा। बोले ता मतलब जो कथा सुनेगा संसार का जितने बंधन, सारे बंधन तुम्हारी खत्म हो जाएगी। और जगत में बड़ा बड़ा दान है, लेकिन जगत में सबसे बड़ा दान क्या है? जो भगवान की कथा को दान करते हैं। इसलिए राधा रानी कहती है कथा सुनने पर 7 लाभ मिलेगी। इसलिए कथा को बताया कि कल्प वृक्ष है। क्या है? बोलो ये कथा क्या है? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का मतलब क्या है? देखो आप कथा नहीं सुन रहे हो, कल्प वृक्ष को नीचे बैठे। कल्प वृक्ष मतलब होता है जो आप मांगोगे वही मिले, जो मांगोगे। इसलिए पद्म पुराण में बताया जिनकी संतान नहीं कथा सुनेगा तो उसको संतान की प्राप्ति होगी। अभी हम लोग एक जगह पर कथा करके आए,
एक माता जी की 25 साल से संतान नहीं था, जगत का सारे जो कुछ करना सब कुछ कर दिया, लेकिन उसने 7 दिन तक कथा सुनी और फल ला कर भागवत कथा के ऊपर रखी और उसने फल खाए तो 25 साल के बाद उसको भी बेटा हुआ है 25 साल के बाद, और एक को 20 साल के बाद उसको बेटी हुई है। इसलिए भागवत कहते हैं कि संतान ने उनके संतान प्रदान करती है, जगत में जो दुखी उसको सुख प्रदान करती है, जगत में जो निर्धन है उसे धन प्रदान करती है, जगत में जिसको मुक्ति की इच्छा उसे मुक्ति प्रदान करती है, जगत में जिसकी भक्ति की इच्छा उसको भक्ति प्रदान करती है, जगत में जिसकी प्रेम की इच्छा भागवत उसे प्रेम प्रदान करती है। लेकिन प्रदान कब करेगी? लेकिन जब कथा नियम से सुनो। कथा कैसे सुननी चाहिए? कथा को नियम से सुननी चाहिए, कैसे नहीं, कथा जब समाप्त होने के लिए जा रही तभी आए, नहीं तब बीच में आए नहीं। कथा कैसे सुना? हनुमान जैसे। कैसे सुना? हनुमान जैसे। इसलिए भगवान कहीं भी राम कथा होगी ना, देखना सबसे पहले हनुमान जी की तस्वीर लगाएंगे। राम कथा के सबसे बड़े रसिया श्री हनुमान जी कथा से सबसे पहले आएंगे, ऐसे नहीं बैठ जाएंगे। कथा में आकर के पहले जो कथा सुनने वालों को प्रणाम करेंगे, कथा बोलने वालों को प्रणाम करेंगे, जहाँ पर कथा हो रही है वो स्थान को प्रणाम करके और हाथ जोड़ करके गदगद होकर के आंखों से आंसू बहा कर लिए श्री हनुमान जी कथा सुनते हैं। इसलिए अगर ये कथा को आप नियम से आप सुनो, देखना जो कुछ आप 7 दिन में मांगोगे इच्छा पूरी हो जाती है। ये साधारण कथा नहीं, ये कल्प वृक्ष भागवत कथा, ठीक है ना। लेकिन कथा सुनने का विधि क्या है? देखो इसका विधि है, बोले बिना खाए पिए 7 दिन तक कथा सुनो। बिना खाए पिए बोले भैया भूखे ना भजन होए गोपाल, ले ले तेरी कंठी माला, भैया बिना खाए पिए कथा नहीं सुन सकते। बोले अगर ऐसे नहीं सुन सकते हो बोले 7 दिन तक घी पी पी कर कथा सुनो। बोले भैया घी पिएगा तो पेट बदला जाएगा। बोले अगर ऐसे कथा नहीं सुन सकते हो 7 दिन तक फलाहार करके कथा सुनो। बोले हाँ फलाहार करके भी ये बढ़िया बात, कथा अगर इसी में असुविधा हो सबसे जो बढ़िया बताया एक बार फलाहार करो अच्छी तरह से और एक बार अच्छे तरह से भोजन करो, एक बार बढ़िया से भोजन और एक बार फलाहार, इसको सबसे बढ़िया बताया है। अगर ऐसे कथा सुनो, अगर इसमें भी अगर किसको कष्ट हो बोले जितना बार खाना खाओ कोई बात नहीं, लेकिन लेकिन कथा तो नियम से कथा दो, नियम से कथा सुनो, प्रेम से कथा सुनो और ब्रह्मचर्य पालन करते हुए साधारण बिस्तर में सो, किससे लड़ाई झगड़ा मत करो, कभी झूठ मत कहा करो। अगर नियम से अगर कथा सुनोगे आप देखना 7 दिन में जो मांगोगे भागवत से ये भागवत आपको सारी इच्छा पूरी कर देगी, कि भागवत ये कल्प वृक्ष ही भागवत है। श्रीमद् भागवत कथा प्रीतम की जय, जय श्री राधे। इसलिए जब श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज ने कथा सुनाए, जब कथा की विश्राम हो गई, वैकुंठ से रथ आया और परीक्षित महाराज रथ में बैठे और पूर्व भूगम मोह जन संपन्न सत्य लोक को पार करते हुए वैकुंठ चले गए। हरे कृष्ण, जब कथा होना दिन में पानी नहीं पीनी चाहिए, पानी तभी पीना जब कीर्तन हो, ठीक है भैया, पानी तभी देना जब कीर्तन हो, वैसे पानी नहीं पीना, ठीक है। इसलिए कहते जब श्री परीक्षित महाराज सब लोग को पार करते 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 जब वैकुंठ लोग चले गए, बोलो वृंदावन, अभी ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य मिला। कहते श्री परीक्षित महाराज को कुछ किया ही नहीं, यज्ञ तपस्या दमन सोता है कुछ भी नहीं किया, वो तो केवल बैठ बैठ कर कथा सुन रहे थे और कथा जब विश्राम हो गई सीधा रथ आया बैठे और सीधा चले गए ठाकुर जी के पास में। भैया कथा जी का बराबर है, तो उन्होंने ये कथा जी की क्या महत्व है, उन्होंने ब्रह्म लोक में के तराजू लिए, तराजू के एक तरफ में जगत का जितने सत्कर्म है, ध्यान देना सुनो, जगत में जितने पुण्य हो सकता है, तीर्थाटन
दान यज्ञ तपस्या है, जितने जगत का पुण्य सत्कर्म उन्होंने तराजू की एक तरफ में रखी थी, तराजू के दूसरे तरफ में ये भागवत कथा सुनने का पुण्य बढ़ा। लेकिन जिधर भागवत कथा की महिमा रखा वो तो पत्थर के पत्थर जैसे जमा रहा, और दूसरे तरफ में जितने सत्कर्म था सब के सब हल्का होकर के ऊपर उठ गया। तब श्री ब्रह्मा जी को पता चला भैया ये भागवत कथा को सामने जगत का कोई भी पुण्य कर्म को जगत में कभी बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि ये भागवत कथा नहीं ये स्वयं जुगल सरकार श्री राधा रानी और बाक्य बिहारी ये भागवत को रूप में जगत में आए हैं। अब ठाकुर जी को साथ में और कोई चीज को बराबर थोड़ी कर सकते, इसलिए ब्रह्मा जी ने आदेश दिया आज से ये ब्रह्म लोक में नित्य निरंतर भागवत कथा चलनी चाहिए। एक समय श्री नारद जी ये भारत भूमि को पुण्य भूमि मान करके आए, लेकिन कलयुग आ चुका था। नारद जी ने देखा कलि सब जगह में कलि बैठा हुआ, किसी को ही कलि नहीं छोड़ा, किसी आश्रम में गए कलि, गृहस्थ में गए कलि, तीर्थ स्थान में गए कलि, कलि मतलब क्या चल रहा आसान में, कलि किसी को नहीं छोड़ा सब जगह पर बैठा हुआ। नारद ने सोचा भैया वृंदावन ठाकुर का धाम है, चलो थोड़ा श्री वृंदावन धाम जाते हैं। जब नारद जी वृंदावन धाम में श्री यमुना किनारे में आए एक एक अद्भुत घटना देखा। मैंने क्या देखा बोला देखा एक सुंदर एक युवती बैठी थी, दोनों बगल में दोनों वृद्धा जिनकी केस पक गया चमड़ी ढीली पड़ी गई, दोनों वृद्धा लेट हुए और जिनकी श्वास बड़े धीरे 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 श्वास चल रहा था। इतने में नारद जी ने सोचा एक बड़ी सुंदर लड़की और आस पास लड़की देखा कुछ चुबत या उबत चापर भजन कर रहे थे सेवा कर रहे थे। नारद जी देखा ये तो वृंदावन धाम होगा कोई सत्संग हो रही है, लेकिन जब वहां पर गए सत्संग नहीं वहां पर तो रोना धोना है। नारद वहां से भगे, लेकिन वो बीच में एक जो युवती बच्ची को बैठा था, इसलिए बीच में जो एक युवती बैठी हुई थी बोले नारद बाबा बड़े भाग्य से नहीं साधु पुरुष का दर्शन होता है, लेकिन आप आकर के पर कहाँ जा रहे हैं थोड़ी सी रुक जाओ। नारद जी रुक गई बोले आप कौन हो, बोले आप मेरे को नहीं जानते हो, बोले नहीं लगता तो कहीं देखा लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कब मैंने आपको देखा। बोले देखो मेरे नाम में भक्ति है, ये जो दोनों बेटे हैं ना ये मेरे दो बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। बोले नारद ये जगत का नियम है माँ होती है वृद्धा और बच्चे होते हैं जवान, लेकिन मेरी दुख देखो मैं तो माँ मैं युवती हूँ, लेकिन मेरी दुर्भाग्य देखो मेरे दोनों बच्चे वृद्धा है मेरी बड़ी दुर्भाग्य। बोले कैसे कैसे हुई, बोले उत्पन्ना द्रविड़े साह वृद्धि करना टके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जन्नता गता। बोले उत्पन्ना द्रविड़े साह द्रविड़ देश में मेरी जन्म हुई, कर्नाटक में जाकर के बड़ी हुई, महाराष्ट्र में भी मेरे को कहीं कहीं आदर मिले। इसका मतलब क्या है, बोले इसका मतलब है महाराष्ट्र में भी भक्ति करने वाले मिले हैं, उत्पन्ना द्रविड़ साहब कर्नाटक में भी भक्ति करने करने वाले मिले, महाराष्ट्र में भी मेरे को कोई आदर किए। लेकिन जब मैं गुजरात गई ना वो इतने नास्तिक देश का कहीं भी ठाकुर का कोई भजन बजा नहीं, किसी घर में तुलसी की पौधा नहीं, किसी घर में ये ठाकुर भी किसी घर में नहीं, भगवान भगवान नाम को कोई चीज नहीं। अगर वहां पर कोई गले में कंठी तिलक चोटी अगर कोई संत पहुंच गए ना बोलते थे अगर तिलक लगाए तो बोले भैया की बबला कोई टाटी कर दिया है, अगर कोई चोटी देखे बोले कोई एरिया नहीं दिया है ये चोटी क्या चाहिए, गले में कंठी अगर है तो बोले भैया लकड़ी क्यों पहन करके रखे हो। कृष्ण राम कहीं भी नहीं,
ब्राह्मणाश्रमिक देश का गुजरात संत अगर चले गए जब तक उसको खदेड़ते हुए राज्य से बाहर नहीं निकालते तब तक उसको पीछा नहीं छोड़ते थे, ऐसे श्री गुजरात था। लेकिन अभी अगर आप गुजरात को देखोगे ना, सबसे ज्यादा पैसा वाला, सबसे ज्यादा धनी, सबसे ज्यादा भक्ति करने वाले देखोगे ना गुजरात में देखोगे। गुजरात में बोले क्यों, बोले वहां पर बड़े बड़े सतपुरुष जन्म हुए, तुकाराम, श्री हैं बल्लभाचार्य, नरसिंह दत्त, विठलाचार्य, ये बड़े बड़े संत जन्म हुए। कहते जिस गांव में जिस स्थान पर अगर एक सतपुरुष एक संत जन्म ग्रहण करे, एक संत जन्म होने का इतने पुण्य बताए, जब ऐसे हाथ उठाकर को नृत्य करना है स्वर्ग में देवता को कल्याण होता है। उनका दृष्टि जितने दूर तक उनको दृष्टि पड़े उतना दूर तक दुर्भिक्ष दुख कष्ट सब खत्म हो जाते हैं। जब वो नृत्य करते हैं उनके चरण स्पर्श पा करके ये पृथ्वी अपने आप को धन्यवाद की अहोभाग्य है, यानी कि चरण हमें पड़ रहा है, यानी कि चरण स्पर्श हो रही है। देखो एक समय एक संत किसी गांव में आए, जब वो गांव में प्रवेश कर रहे थे उन्होंने देखा भयानक राक्षस जैसे उसी गांव से निकल रहा है। उसने पूछा भैया तू कौन हो, कहाँ जा रहे हो, बोले आप आ रहे हो ना इसलिए मैं जा रहा हूँ। बोले इसका मतलब क्या, उसका समझ में नहीं आया। लेकिन जब उसी गांव में आया देखा वो गांव में सबके सब बीमारी पड़े, घर घर में बीमारी, लड़ाई झगड़ा अशांति, गांव में कोई चैन से नहीं जीत रहे, ईर्ष्या द्वेष कलह छल कपट एक दूसरे को भलाई नहीं देख सके, गांव में इतने आसान था। लेकिन संत क्या करते हैं, जिस गांव में जा रहे उसी गांव में हरि चर्चा करते हैं, हरि कीर्तन करते हैं। जब वो संत धीरे धीरे गांव में भगवान के नाम कीर्तन करने लगते हैं, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, वो गांव का जितने अमंगल है गांव का जितने दुख कष्ट सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ये भागवत कथा कितने महिमा, इसलिए जिस समय ये चतुर्सर ने ये भागवत कथा सुनाने हरिद्वार में गए उसी समय स्वर्ग से देवता लोग भी प्रसन्न होकर के दुंदुभि बजाए, मृदंग मजीरा बजाए, संख बजाए और ये भागवत कथा की जयकार दिए। बस श्रीमद् भागवत कथा मृता की जय, और जोर से कहते हैं बस श्रीमद् भागवत कथा मृता की जय। इसका मतलब क्या है कभी चीज को समझो, मतलब जिस गांव में ये भागवत कथा हो रहा देवता लोग भी प्रसन्न होते हैं, भागवत कथा हो रही है बड़े भाग्य की बात है। कथा सुनने के लिए कौन कौन आए, स्वर्ग से देवता लोग भी आए, ब्रह्म लोक से तप लोक से बड़े बड़े ऋषि लोग भी आए, व्यास पराशर वशिष्ठ बड़े बड़े ऋषि लोग भी कथा सुनने के लिए आए थे, जितने गंगा जमुना सरस्वती जितने पुण्य नदी भी कथा सुनने आए, जितने अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया ये सब के सब मूर्तिमान रूप में कथा सुनने के लिए आए। अब जो नहीं आए ना अगस्त जी घर घर में गए, बोले भैया सुना नहीं चतुसर कथा कर रहे हैं, बड़े भाग्य से ये भागवत कथा सुनने को, चलो सबके सब कथा सुनने के लिए चलते हैं। मतलब जहाँ भागवत कथा हो पृथ्वी का जितने पुण्य नदी इतने पुण्य तीर्थ ऋषि मुनि देवता भी आकर की कथा सुनते हैं। देखो जैसे यहाँ कथा हो रही ना, एक समय में कोई एक साधु कथा सुनने के लिए गए, कथा सुनने के लिए गए फिर हम पैंडल को अंदर में इतने ऋषि मुनि तीर्थ गंगा जमुना सबके सब हाथ जोड़ करके बैठे कथा सुन रहे, सबके सब हाथ जोड़ कर कथा सुन रहे थे। वो संतन देखा वहां एक सरसवी फेंको ना नीचे नहीं गिरेगा, कितने लोग बैठे हुए थे। इसका तात्पर्य है अगर कहीं ये भागवत कथा होती है ना केवल हम ही सुन रहे ऐसी बात नहीं, केवल हम ही सुन रहे ऐसी बात नहीं, वहां सारे का सारे देवा देवी बैठ करके कथा सुनते हैं। और जिस गांव में ये कथा हो समझो गांव नहीं ये भगवान के धाम बन जाता है, ये बागपत नहीं क्या बन जाएगा,
ये बात बदलेगी, ये गोलोक वृंदावन श्री गोलोक वृंदावन बन जाएगा ये बागपत। और जब श्री जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकलेगा ना, आप देखोगे कि जगन्नाथ जी रथ यात्रा के इतने महीने आप सुनेंगे, आप देख रहे हो ठाकुर के इतने बड़े बड़े आंख देख रहे ना, ये स्वयं कृष्ण है। कृष्ण ही अपना कथा सुनते सुनते प्रेम भी कैसे बने, इनका आंख इतनी बड़ी बड़ी ना, कभी जितने दूर तक तो इनकी नजर जाएगी, जितने दूर तक इनकी नजर जाए, इनकी नजर पड़ने पर वहां दुर्भिक्ष दुख कष्ट अशांति सब के सब खत्म हो जाते हैं, केवल इनकी दृष्टि जहां तक पड़ेगी। इसलिए जगन्नाथपुरी में इनकी पृथ्वी का सबसे बड़ा कहीं अगर यात्रा है कि जगन्नाथ की रथ यात्रा, इतने लोग पृथ्वी में किसी यात्रा में नहीं देखोगे, इतने लोगों को देख कर देखिए। इसलिए आपका गांव का नाम बागपत का भाग्य उदय हो गया, बागपत की भाग्य उदय हो गया। श्री जगन्नाथ जी, श्री जगन्नाथ जी यहाँ पर आए और आपके यहाँ भागवत कथा हो रही है। इसलिए कहते हैं कि गुजरात है कति गुजरात इतने धर्म कितने धर्मान के हो, ये बोधी कहाँ गई? आपको पता बोधी कहाँ गई? गुजरात के। इसलिए कारण है अभी वो बड़े बड़े संत जन्म हुए ना, इसलिए इनकी भक्ति प्रभाव से आप गुजरात में जाकर घर घर में गोपाल देखो, घर घर में और लोग गले में सब तुलसी कट्टी देखोगे, तिलक लगाते हुए देखोगे, घर घर में तुलसी देखोगे घर घर में। हाँ, इसलिए कहते हैं ना, आली मोहे लागे वृंदावन नानी को, 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 लक्ष्मी कहाँ रहती है? ठाकुर जी की चरण में, लक्ष्मी कहाँ रहती है? ठाकुर जी की
शहर में रहती है लक्ष्मी, उनकी घर नहीं जाता रुपया पैसा आएगा, जिसके घर में ठाकुर को जितने सुरभ जाए, जितने ठाकुर को देखो एक उदाहरण दिया, जैसे आप अपना शरीर को बढ़िया से स्वीकार करो, आप किसी शीशा के सामने खड़े हो जाओ, देखे ना तुम्हारी जो परीक्षा है ना वो अपने आप सज जाती है, केवल शरीर को सजाओ परछाई अपने आप सज जाती है, परछाई को सजाने का जरूरत नहीं। उसी तरह जो मूल कौन है बोले ठाकुर जी, जिसके घर में बांके बिहारी की गोपाल की जो जितने बढ़िया श्रृंगार करोगे, जितने बढ़िया खाना इनको खिलाओगे, रोज रोज भी अभी सब उनका अभी से करोगे ना, देखना उसके घर में माँ लक्ष्मी उतना है। क्यों? लक्ष्मी ठाकुर जी चरण में रहती है, जब लक्ष्मी देखेगी भैया ये मेरी प्रभु की सेवा कर रहा है, फिर क्या करेगी लक्ष्मी? छुपा छुपा करके तेरे घर में पैसा दे जाए। क्यों? प्रभु को सेवा कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? ठाकुर को सेवा नहीं करते, खुद प्यार लक्ष्मी डाल देते बढ़िया बढ़िया खाई दी और ठाकुर जी को थोड़ी सी दूध लगा दिया और बाधा से दे दी। जिसने तुम्हें सब कुछ दिया, जिसका सब कुछ है, वो तो बैठा हुआ कैसे दिन में तीन बार ड्रेस कर बदलाते हैं, साड़ी को दिन में दो बार बदलाएंगे, ठाकुर जी 15 दिन से एक कमरा बैठ कर बैठे, इसको सेवा नहीं करते, इस पर ठगना है, इस पर ठगना कहते, इसको सेवा नहीं कहते। इसलिए ठाकुर को सेवा कैसे करनी चाहिए? आप मगर अपना जैसे, अपना जैसे, इसलिए घर में जो खाना खाए बगर प्याज लहसुन बनाए ठाकुर को भोग लगाओ। ये प्याज लहसुन पहले हिंदू घर में नहीं था, ये मांस मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं था, इसको मुगल लोगों ने लाए और हमेशा मुगल बना दिए, क्योंकि हर हिंदू घर में पहले ठाकुर को पूजा, ठाकुर को भोग यही करते ना। तुम अपना सास को देख लो, भैया को देख लो, क्या करते थे घर में? भैया सास पहले ठाकुर को भोग लगाएगी, सेवा करेगी, मक्खन मिश्रेगी, भोग यही करते थे ना। आप लोग नाग अभी नवरात्रि व्रत रख रहे थे, कौन कौन नवरात्रि व्रत रहे थे? नाग देव को प्याज खा रहे थे? नहीं खा रहे। क्यों नहीं खा रहे? माता जी को पसंद नहीं, तब तक नहीं खा रहे। उसको बाद में खाओ और माता जी का नाराज कर, जो चीज माता जी को पसंद नहीं वो चीज हमें भी पसंद नहीं आनी चाहिए, जो उनका पसंद हमें वही पसंद होनी चाहिए। इसलिए बगैर प्याज लहसुन के खाना बनाओ। जो प्याज है ना ये गैया के मांस से बना है, लहसुन गैया की हड्डी से बना है, हम माँ की कथा सुनाएंगे, अच्छी कथा सुनाएंगे, क्यों ये सब चीज को नहीं खाते, ठीक है ना। बगैर प्याज लहसुन के खाना बनाओ, ठाकुर को भोग लगाओ, ठाकुर को सेवा कर, देना खूब माल आएगी घर, खूब पैसा आएगी घर में। इसलिए गुजरात में जिसकी इतना पैसा है वो सब के सब घर घर में ठाकुर पूजा सेवा कर घर में करती, तभी उनके देश के इतने समृद्धशाली, इतने बड़े बड़े वहां पर बिजनेस किया है, ठीक है ना। बस वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ पर खड़े मत हो, इसलिए वहां पर इतने, लेकिन कहते हैं जब वृंदावन में आई भक्ति देवी कहती है मैं तो जवानी में गई, लेकिन मेरे तो दो बेटे हैं ना ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों बूढ़े हो गए। बोले क्यों? बोले ज्ञान वैराग्य वृंदावन में कोई इनको पूछने वाले नहीं, वहां पर प्रेम की नदी बहती है, कहते हैं ना हम वहां पर कहते हैं बुद्ध शुद्ध है गयो सुनी गोपियों की बोल, ज्ञान बजाय दुग्ध की बाजे प्रेम की बोल, वहां पर प्रेम की नदियां बह रही है। इसलिए ज्ञान भैया के आते के वृद्ध हो गए। इतने नहीं श्री नारद जी बोले देखो कोई चिंता मत करो, तुम्हारे दोनों बच्चों को हम जवानी दिला देंगे। बोले अगर तू जवानी दिला दिया ना मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ तुम्हारे हृदय छोटे कभी मैं जाऊंगी नहीं। नारद जी सब जगह में पूछे लेकिन इसका सही सही जवाब कोई नहीं दे पाए। लेकिन जब चतुस्थान को पूछे बोले भैया केवल ये भागवत कथा से ही ज्ञान वगैरह को जवान मिलेगा। बोले क्यों? यदि भागवत आप देखना जैसे 7 दिन कथा हुई ना, आप लोग स्वयं देख लेना, जब 7 दिन कथा हुई ना हमारे अंदर में भी ज्ञान और वैराग्य है, ये भक्ति की दो बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। जब तक ये ज्ञान वैराग्य पुष्ट नहीं हो तब तक ये भक्ति रोती रहती है, मतलब भजन नहीं कर सकते हो। इसलिए हमें भक्ति युक्त ज्ञान होनी चाहिए, वैराग्य मतलब भगवान के चरण में अनुराग होनी चाहिए। लेकिन कहाँ से मिलेगी? बोले भागवत से।
आप स्वयं देख लोगे जब ये सात दिन की कथा होगी ना, आपके हृदय में भी ये ज्ञान और वैराग्य जग जाएगी, तुम्हारे हृदय में भी भक्ति करने की भावना आ जाएगी, हैं? तुम्हारे हृदय में भी भजन करने की भावना तुम्हारी हृदय में आएगी, ठीक है ना? इसलिए उन्होंने ये भागवत कथा श्रवण कराए, भागवत कथा से ही ये ज्ञान वैराग्य नाच उठे, प्रसन्न होकर के वहाँ सुखदेव श्री ध्रुव प्रहलाद सबके सब प्रकट होकर के कीर्तन कर रहे थे, और गोलोक वृंदावन श्री राधा रानी और बांके बिहारी वहां पर स्वयं प्रकट हो गए और सबके सब कीर्तन कर रहे थे। बच्चे को पीछे लेकर बैठे क्यों कथा सुन रहे हैं, सब बच्चे देखे किसको नहीं देखे, इसलिए आप पीछे लेकर बैठे, ठीक है? बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय कथा की विश्राम होगी, वो लोग वृंदावन से स्वयं
राधा कृष्ण आ गए और ज्ञान वैराग्य जवानी हो गई, सबके सब नाच रहे थे। बोले क्यों? बोले भगवान की कीर्तन की कथा कीर्तन महिमा, और जो लोग कथा सुन रहे थे ना वहाँ जितने लोग बैठे थे सबके लिए ग्रंथ आया। देखो कथा के बाद में ना आप सबके लिए एक ही ग्रंथ आएगा। बोलो तो वृंदावन बैठे लेने के लिए आप जाओगे? कौन जाएगा? सैसे यहाँ देखा झूठ मत कहा करो। आप तो वाला सब झूठ बोल रहे हैं। अगर सचमुच से ग्रंथ आ जाए ना देखा ना एक व्यक्ति यहाँ से काम हो जाए। बोले बेटा का शादी नहीं, बेटी भी रिश्वत नहीं, अभी चली जाते तो पति को भोजन कर खिलाए। कोई चिंता मत करो, जब तक कथा सुनते सुनते ये संसार से वैराग्य नहीं आ जाए ना तब तक रथ नहीं आएगा। कोई चिंता मत करो, ठीक है? इसलिए वहाँ जो पशु पक्षी कीड़े पकौड़े थे सबके सब उतार हो गए। तब श्री नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा। उनने चतुर्संग से पूछे अगर कोई प्रेत योनि में पड़ा हुआ हो अगर उसकी उद्धार नहीं हो रही उसको मुक्ति मिलेगी नहीं? बोले भैया जब कथा सुनकर पशु पक्षी इनको भी भगवत धाम की प्राप्ति हो गई फिर प्रेत योनि में मुक्ति नहीं होगी, वो जरूर मुक्ति होगी। फिर उन्होंने गोकर्ण भूतकार की कथा सुनाई। बोले एक ब्राह्मण था जिसका नाम था आत्मदेव और पत्नी धुंधुली। देखो आत्मदेव मतलब जो आत्मज्ञानी, सारे वेद शास्त्र में जो पारंगत है, बड़े सुंदर धन दौलत की कमी नहीं, भक्ति में बड़ी रुचि, लेकिन पत्नी का नाम था धुंधुली। धुंधुली मतलब अज्ञानी अंधकार। देखो ये दुनिया में भी कभी कभी होता है, कभी कभी पति तो आत्मदेव मतलब बड़े भक्ति भजन करने वाले, लेकिन पत्नी को देखना कभी कभी धुंधुली अंधकार है, बड़ी धुंधुली अज्ञानी भक्ति भक्ति से उसकी कितनी रुचि नहीं। लेकिन कभी कभी पत्नी आत्मभक्ति होती है, बड़ी अच्छी भजन है, लेकिन कभी पति है ना वो धुंधु का है, वो बड़ा दुष्ट होता है, भजन भजन से कुछ गति नहीं। लेकिन देखो जिनकी पति भी आत्मदेव और पत्नी भी आत्मभक्ति है ना, दोनों प्रभु की भजन करते हैं, समझो ऐसी जोड़ी है ना, बड़ी भाग्य से ऐसी जोड़ी मिलती है जो दोनों भगवान की भजन करते हैं। इसलिए कहते घर में अगर गीता जैसे जैसे ग्रंथ हो और बेटा जैसे राम हो और बहू जैसे सीता हो ना, बास हो घर नहीं वही भगवान की धाम, वही वैकुंठ, वही गोलोक वृंदावन। लेकिन ऐसे मिलना बड़ा कठिन, लेकिन किसी किसी सौभाग्य वाले व्यक्ति को ये चीज मिलती है। अभी पत्नी धुंधुली अज्ञानी, बड़ी अज्ञानी है, लेकिन घर में सब सुख, लेकिन घर में कोई संतान नहीं, इसलिए वो आत्मा वो बड़ा दुखी है, बड़ा दुखी। बोले क्यों? बोले घर में कोई बेटा नहीं। देखो ये चीज समझो, घर में पैसा की कमी नहीं, अथाह पैसा है, पत्नी बड़ी प्यारी है, ये भी आत्मादेव भी बड़े ज्ञानी है, बड़े प्रभाव, लेकिन घर में बच्चा नहीं होने का दुखी कारण क्या जानते हो? बोले वो व्यक्ति बड़ा कंजूस है, एक भी पैसा कहीं सत्कर्म में नहीं लगा, केवल जोड़ो जोड़ो जोड़ो, कहीं भी भगवत सेवा भगवत भक्ति कहीं सत्कर्म में नहीं लगाते। इसलिए देखो लक्ष्मी, अभी बता रहा था ना लक्ष्मी भगवान, ये चीज को समझो, लक्ष्मी ठाकुर जी अगर घर में लक्ष्मी आए, अगर वो लक्ष्मी अगर प्रभु की सेवा में नहीं लग रहा है, भले ही घर में अरब खरब रुपया तुम्हारी आए, देखना वो घर में शांति नहीं रहे। क्यों? लक्ष्मी को तुम भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हो, लक्ष्मी तुम्हारी नहीं, लक्ष्मी नारायण की है। जब वो भागवत कथा सेवा में कोई अच्छे काम में लगे तभी ये लक्ष्मी सुख देता, नहीं तो बहू बहू में लड़ाई लगा, नहीं तो घर में ऐसे बीमारी दे देगी सारे पैसा उधर चली जाएगी, नहीं तो कोई कोर्ट का चेक लगा देगी पैसा उधर चली जाएगी, नहीं तो देखो हमने बच्चे को कितने पैसा देकर गया ये बड़ी बात नहीं है, ये चीज को समझो, हमने बच्चे को कितने पैसा कमा करके दिया बड़ी बड़ी बात नहीं, लेकिन बच्चे को हमने कितने संस्कार देकर गए की बड़ी बड़ी बात। अभी आईपीएल आ रही ना क्रिकेट, देखा बैठ बैठ कर करोड़ रुपया लगा देता, बैठ बैठ करके करोड़ रुपया तुमने जिंदगी में कितने पैसा कमाया एक मिनट में खत्म, एक ओवर रह गया, ये ओवर में कौन जीतेगा कौन हारेगा उसमें ही करोड़ रुपया उसमें जितने 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 पैसा खत्म।
अगर किसको बोले भजन करना, बोले भजन अभी बच्चे के लिए कुछ पैसा कमा कर रखो ना। हमारे बड़े गुरु जी कहते बोले नहीं, बच्चे के लिए जरा पैसा मत कमाओ, वो होना होगा तो कमाएगा। अगर नालायक बनेगा ना चुआ सकता, शराब पी करके सब बर्बाद कर देगा। ऐसे धन जीवन में कमाओ जो इसी जीवन में भी काम लगे और अगले जीवन में भी काम लगे। वो क्या है बोले पायो कि मैंने राम रतन धन पायो, भगवान के नाम रूपी धन कमाओ, यही धन ही काम में आएगा और कोई धन हमारे काम में नहीं आएगी। इसलिए बड़ा मंजूषी व्यक्ति था, इसलिए कहीं भी अर्थों को कहीं प्रभु की सेवा में नहीं, इसलिए संतान नहीं होने का नाते बड़ा दुखी, बड़ा दुखी। एक दिन आत्महत्या करने के लिए गया। देखो जब भगवान किसी जीव को पर कृपा करते ना साधु संत में आते हैं, ठाकुर जी स्वयं संत बनने के आ गए। बोले बेटा क्यों रो रहे हो? बोले घर में संतान नहीं, सब सुख संतान नहीं। बोले बेटा संतान से कोई सुखी नहीं होते, सुखी होते वचन करते। भगवान नहीं कोई बात नहीं, संतान नहीं कोई बात नहीं। देखो ये ठाकुर है ना, ये गोपाल जी को ही अपना बेटा मानते हैं। देखो ये सही घटना है, एक माता जी जिंदगी भर ही गोपाल को सेवा और वृंदावन वास करती थी। जब वो तो वृंदा हो गई, उनसे काम नहीं होता है, कृष्ण स्वयं करते थे, सब्जी लाते थे, रोटी बनाते थे, घर साफ करते थे, पानी ला करके ठाकुर उनको देते थे ठाकुर जी। क्यों? जिंदगी भर उसने गोपाल जी को अपना बेटा माना है, बेटा माना है। बोले भैया कोई चिंता मत करो, संतान नहीं ना, भगवान जैसे बेटा कोई होगा दुनिया में? इसलिए ठाकुर को बेटा मान लो। बोले नहीं हमें तो बेटा चाहिए। बोले देखो बेटा सगर महाराज का नाम सुने? बोले हाँ। बोले उनको 10,000 बेटा था, सुखी हुए? चित्रकेतु महाराज का नाम सुने? बोले हाँ। उन्होंने 1 करोड़ शादी की, एक बेटा हुआ तो एक रानी की दूसरे रानी मिलकर जहर देकर बच्चे को खत्म कर। बोले बेटा से शांति नहीं मिलेगा, शांति मिलेगा ठाकुर को भक्ति से, इसलिए कोई चिंता मत करो। बोले नहीं हमें तो बेटा चाहिए। कैसे बेटा? तो इतनी बोली से पापा पापा मामा मामा बोलता है। हमें संतों का जीवन तो सुखा जीवन है। बोले मैं तो देख रहा हूँ तेरा 7 जन्म तक क्यों बच्चा आने वाले नहीं? बोले भैया एक जीवन में संतान नहीं, इतना दूर 7 जन्म तक नहीं, फिर तो आप मेरे को बेटा दे सकते हो। चरण में गिर करके रोने लग गए। संतन एक फल लेकर के मंत्र पुत्र करके दिया। बोले देखो ये फल ले जाओ, पत्नी को खिलाना, बोलना गर्भ में जो बच्चा होना झूठ नहीं बोले, झगड़ा नहीं करे और भगवान की भजन करे, भक्ति करे, वो बच्चा अच्छा बच्चा जन्म ले, अच्छे बच्चे होकर के जन्म लेगा। आप देखना इसी दुनिया में देखना, कोई कोई बच्चा तो बड़े अत्याचारी होता है, लेकिन देखना कोई कोई बच्चा बड़ा उद्यम होता है, बात नहीं सुनते। बोले क्यों? कि माता का दोष है। अगर गर्भ में बच्चे रहते हुए हम रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, देखना वो बच्चों जितने बड़े होंगे रामायण सुने होंगे। जब माता गर्भवती थी ना, भगवान राम सारे संत समाज को बुलाया और अयोध्या में सत्संग करवाए। बोले सीते अभी तो गर्भवती है ना, इसलिए आज मैंने संतों को बुलाया, ये संतों से कथा सुनोगे तुम्हारे जो बच्चा बड़े अच्छे बनेंगे। वो कौन हुए? लव और कुश हुए, इसलिए इसको गर्भ संस्कार कहते हैं। उसने बोले फल दे दिया, लेकिन वो तो धुंधुकारी, उसकी पत्नी का नाम धुंधुकारी, पत्नी को फल दिया बड़े खुश होकर के, लेकिन उसने दुखी हो गई क्योंकि एक सख्त सही थी। बोले तुम दुखी क्यों हो रहे हो? बोले ये आत्मा देव ने कहीं से फल लाया, वो कहता है फल खाने से बच्चा होगा, ये पुरुषों को क्या पता बच्चा होने में क्या कष्ट है। 9 महीना तक तो गर्भ धारण करो, फिर प्रसव पीड़ा, फिर उनको लालन पालन में कष्ट है। इसलिए भैया जगत में कोई सुखी बांध नहीं करी दो। उसने कहा कोई चिंता मत करो, मेरे पति को पास में पैसा दी, तेरे पति को पास में जाता है पैसा, कुछ पैसा मेरे पति को दे दो, पेट में कपड़ा बांध करके सोते रहो और परीक्षा करने के लिए फल को गैया को मिला कैसे करती। और जो गैया को भी बच्चा जन्म नहीं देता था, वो गैया भी बच्चा जन्म दिया और उसकी सहेली ने छुपा करके बच्चे को घर में दे दिया। दुनिया बोले भैया ठाकुर जब देते नहीं, जब देते हैं छपर फाड़ करके देते हैं,
सारा दुनिया देखने के लिए आए। दोनों बच्चे जो पढ़े हुए इनके नाम करने संस्कार नहीं। देखो माता है, ध्यान देकर सुनो, भागवत में बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा है, कोशिश करो इस शिक्षा को लेने के लिए। जो नाम करना संस्कार है ऐसे नहीं मुंह में जो आया टुल्लू बुल्लू टिंकी टिंकी, नहीं ये नाम कभी नहीं रखना। ब्राह्मण को बुलाओ, उसका जन्म नक्षत्र देखो, उसका एक एक अक्षर निकलना है, वो अक्षर को पहले रखकर भगवान की, अगर लड़का का नाम हो भगवान का नाम कृष्ण गोविंद दामोदर, लड़की के नाम गीता सीता पार्वती, ऐसे कोई भक्ति का नाम रखो, मुंह से जितना बार ठाकुर का नाम निकलेगा उतना हमारे कल्याण। और एक चीज समझो, हम लोग हिंदू है, देखना शादी से पहले जन्म पत्री मिलाते हैं, मिला लेकिन नहीं जन्म पत्री, बोले क्यों, हमारी बेटी शादी करके जाए और जीवन भर सुखी में रहे, इसलिए जन्म पत्री मिलाते हैं। लेकिन ये जन्म पत्री कब मिलेगा, अगर अपना मनमानी टिक्की मिक्की टुकुम टुलुक दे दोगे फिर जन्म पत्री मिलेगी, फिर वो बेटी शादी होकर फिर डाइवोर्स हो। आप पहले कभी डाइवोर्स का नाम नहीं सुना होगा, अभी भारत में 40-50% डाइवोर्स हो रहा है। आप लोग तो थोड़ी अभी थोड़ी गांव जैसे अभी बच्चे हुए, जितने शहर में जाओगे ज्यादा, जितने लिखे पढ़े जितने पैसा डाले उतना ही वहां पर गड़बड़। ये जो जन्म संस्कार नाम करना संस्कार एक साइंस है, ये मत समझो नहीं ये सब क्या होता है जैसे टुल्लू बुल्लू टिक्की बिक्की जैसे नाम नहीं, फिर तो गड़बड़ी है, ठीक है ना। इसलिए नाम करना संस्कार नहीं, नियम होता है बच्चे का नाम प्रभु का नाम पर रखो, लेकिन नहीं रखा उसको पत्नी जोर जबरदस्ती बोली मेरे नाम धुंधुली, बेटा का नाम होगा धुंधुकारी। धुंधुकारी मतलब क्या, धुम करो तो धुंधुकारी, लेकिन दूसरा बेटा का नाम रख दिया भोकर नाम। दोनों बच्चे बड़े हुए एक संतों की कृपा हो तो बर्बाद जाएगा नहीं, भोकर न तो पंडित ज्ञानी हुआ और धुंधुकारी बड़ा दुष्ट बड़ा बदमाशी। पिताजी को इतने सताया पिता घर छोड़कर भाग गए, मैया की इतने पिटाई की मैया की छलांग लगाकर हाथ पर दिया, छह छह वेश्या को बुलाकर बुलाया, कोई बोले कपड़ा दो कोई बोले गहना दो, राज दरबार में डाकू डाल करके बहुत पैसा मिला है। अभी वेश्या ने देखा सवेरे होते ही सीआरटी लग जाएगी, अगर पकड़े जाएगी ना सब सब जेल जाएगी, बोले एक काम करो रातारात उसको मार डाल, मार करके घर में गाड़ दिया और वो प्रेत बन गया। जब गोकर ना आया देखा प्रेत बना हुआ, बोले तेरे नाम पर गया मैं पिटा दिया तेरे को मुक्ति नहीं मिली, बोले भैया मैंने इतने पाप किया मेरे को 100 बार भी गया मैं पिटा तो मुक्ति नहीं मिलेगी, पर सूर्य देवता को पूछे तो बोले केवल भागवत कथा से मुक्ति मिलेगी। फिर उन्होंने भागवत कथा रखा, जैसे आपके गाँव के लोग आए हो सबके सब कथा सुने, लेकिन एक कथा में केवल एक रात धुंधु करके लिए आया। इतने में गोकर्ण ने प्रश्न किया भैया कथा तो यहाँ सबके सब सुने लेकिन रथ एक ही क्यों आया, बोले देखो ध्यान देकर सुनो यहाँ पर जो कथा है ना केवल एक व्यक्ति कथा सुने, बोले इतना लोग जो बैठे हुए हो बोले बैठने पर खड़ी होगा, बोले बैठने पर भी नहीं होगा, बोले खैर कथा सुनने का नियम क्या है, ध्यान देकर सुनो कथा सुनने का नियम है, बोले विश्वास गुरु वाक्य सो, पहला नंबर विश्वास, ये जो कथा को पर पहले विश्वास हो। अगर कोई सोचे नहीं पंडित लोगों ने पेट पालने के लिए तो धंधा बना दिया फिर तेरे कथा पल नहीं देगा, क्यों तुमको विश्वास नहीं। देखा ना एक बच्चा स्कूल जब जाता है कहीं सीए करना है डॉक्टर इंजीनियर करना है 25 साल को बाद में जाकर कहीं बनेगा, लेकिन 3 साल से आप उसको ऐसे उसको नर्सरी में भेज देते हो जितना बड़ा बच्चा नहीं उसी कथा उसका पुस्तक होता उसका पुस्तक, और जब एग्जाम आता है 15-15 घंटा पागल होकर डरता है, कोई गारंटी उसको इंजीनियर के बाद नौकरी मिलेगी नहीं, सीए के बाद में नौकरी मिले कोई कोई गारंटी नहीं, लेकिन उसके लिए 25-25 साल पागल होकर पढ़ते हैं। लेकिन भक्ति जगत में अभी तो कोई फेल नहीं हुए, भक्ति जगत में सबके सब सक्सेस हुए, इसलिए मीरा कहती है दीन दीन भरत सबायो आयो जी में राम रतन हरण। इसलिए पहला नंबर विश्वास रखो, क्या करो
हमारे गीता रामायण भागवत में विश्वास रख, लेकिन जो अभी जनरेशन है ना उनको गूगल में विश्वास है, उनको गूगल में विश्वास, उनको भगवान की भक्ति में विश्वास नहीं है। बड़े से बेकार भगवान की भक्ति, भक्ति सब बेकार है, हैं? लेकिन उनको गूगल में विश्वास है, लेकिन भगवान में विश्वास नहीं। देखो ध्यान देकर सुनो, जैसे न्यूटन आइंस्टाइन जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, देखना अभी जो बड़े बड़े साइंटिस्ट अभी हुए हैं उनका फिलोसफी बहुत गलत दिखा रहे हैं। इसलिए देखना बच्चों का कभी कभी पुस्तक बदलती, बोले क्यों, बोले हमको साइंटिस्ट ने ये बताया और दूसरा साइंटिस्ट उसका फिलोसफी को काट दिया। लेकिन देखो हमारा जो रामायण अभी उसका कोई अक्षर भी बदला है? तुलसीदास का रामायण का कोई एक अक्षर बदली है? हमारी गीता भागवत का कोई अक्षर बदला है? हमारा वेद का कोई अक्षर बदला है? कोई नहीं बदला। क्यों? हमारे जो शास्त्र ग्रंथ ये प्रॉपर साइंस है, ये कभी बदला नहीं। लेकिन और सब बदले, सब बदले। इसलिए पहला नंबर क्या करो, विश्वास करो। उसको बाद में कथा कैसे सुननी चाहिए, बोले दीनता होकर, तीन ही होकर के, अहंकार तापी अभिमान से नहीं कथा सुनना, तीन ही होकर के। तीसरा है मन लगा कर, कैसे कथा सुना, यहाँ पर बैठे अगर मन अगर घर में पड़ा हुआ फिर कथा का फल नहीं मिलेगा। इसलिए जब कथा सुन रहे हो कथा मन से सुनो, कोई भी काम करने के लिए भक्ति से पढ़ो, भक्ति से खाओ, कथा भक्ति से काम करो, हर कदम मन से करो, हर चीज को मन से करो, अगर तय मन से भक्ति करो तो मिलेगा कैसे। इसलिए मन को एकाग्रता पूर्वक लगाओ, अगर ऐसे कथा सुना करना देखना कथा को बाद में आपके लिए रखाएगा। जब उन्होंने सुनाए उन्होंने बोले सुन लिया। देखो जो श्रोता है दो तरह के, कितने तरह के, कितने तरह के, दो तरह के, जो अच्छे श्रोता चार तरह के, कितने तरह के, चार तरह के। मैं आज बताऊंगा कल सुनता देखता, अगर मेरे जो तो बोलेगा ना उसको इनाम होगा। अच्छे श्रोता चार तरह का है, देखता मेरे कल पर सुना पाता है, ठीक है, जो बोलेगा बढ़िया इनाम होगा। ध्यान देकर सुनो, जो अच्छे श्रोता पहला नंबर हंस, हंस मतलब है जैसे हंसों का दूध दुगना, देखना वो दूध तुमको पी लेगा और पानी पानी छोड़ देता है। अच्छे जो श्रोता है क्या करो, सार को लो और सार को छोड़ो। दूसरा नंबर है मधुमक्खी, मधुमक्खी कौन है, एक मक्खी और एक मधुमक्खी, एक मक्खी। अब का मक्खी कहाँ बैठता है, कौन बोलेगा मक्खी कहाँ बैठता है, गंदी जीव में बैठता है। लेकिन मधुमक्खी कहाँ बैठता है, फूलों में। अगर कांटा की वृक्ष में अगर फूल होना देखना मधुमक्खी वहां भी बैठ करके शहद को लेकर के सुंदर छत्ता बना देगा, लेकिन मक्खी कहाँ पर बैठेगा, गंदी जीव। इसलिए हमें मक्खी नहीं क्या बननी चाहिए, मधुमक्खी बनो। मधुमक्खी जैसे हर फूलों से शहद को लेकर छत्ता बनाती है, हमें भी जीवन में सार बोलो असर को छोड़ो। तीसरा नंबर मछली, मछली की आंखों का जो पलक है ना कभी झपती नहीं, वो एकदम खुली ही रहती है। कथा कैसे सुना, टकटक लगा कर, टकटक लगा करके एक मन से, ऐसे नहीं उससे बात कर रहे उससे बात कर रहे कथा सुन, नहीं कथा सुना मछली जैसे आंख खोल करके कथा की एक शब्द मिस नहीं चले जाए, हैं? और जो चौथा नंबर है, हैं? चौथा नंबर बताए चाकत की चिड़िया है। वो चिड़िया की एक स्वभाव है वो किसी तालाब का पानी नहीं पिएगा, नदी का पानी नहीं, जब बारिश ही होना स्वाद नक्षत्र का पानी पिएगा। मतलब क्या, बोले भैया कथा सुनाएंगे तो ठाकुर का कथा सुनाएंगे, दुनियादारी का कोई कथा हम नहीं सुनेंगे। चार तरह का अच्छे श्रोता और चार तरह का साधारण श्रोता। पहला नंबर गुरु, कहते हिमालय में एक चिड़िया रहता है, इसका स्वभाव है जैसे सुना होगा ना वैसे सुना देगा, लेकिन अपना जीवन में उतारेगा नहीं। दूसरा नंबर ऊंट को कोई कोमल कोमल अच्छे अच्छे बता देना नहीं खाएगा, वो कांटा वृक्ष खाता है। मतलब जो प्रभु की कथा नहीं सुन करके उल्टा उल्टा दुनियादारी की कथा सुने। तीसरा नंबर बैल, अब बैल को कोई घास दो और बढ़िया बढ़िया फल दो, उसमें को कोई फर्क नहीं समझना है, दोनों को वो बराबर मानता है, दुनिया की कथा हो और ठाकुर की कथा हो कोई फर्क नहीं समझता है। चौथा नंबर है भेड़िया, देखो इसको ध्यान से सुनो, ये छोटा जाति का बाघ होता है। जब कोई हिरण
पर ये सुंदर शब्द सुनकर जब मुग्ध हो जाए तभी वो आक्रमण करता। बोले मतलब क्या? बोले ऐसे वो जो श्रोता लोग है जो कथा सुनते नहीं और जो पास में जो बैठने वाले को भी सुनने नहीं, बिना कारने को बात करते रहेंगे, तेरे घर में क्या बना था, उसकी छोरी ऐसे किया, उसको छोरा ऐसे कर रहा, उसके घर में बहू ऐसे कर रही है, जो बैठने में दुनिया की जो बात करती है। इसलिए श्रोता हमें अच्छे श्रोता बननी चाहिए। ठीक है, वृंदावन बिहारी लाल की। दूसरे दिन कथा सुनाई, सबके सब एक मन से कथा सुने, कथा समाप्त हुई, जितने लोग बैठे हुए थे सभी के लिए बैठों का रथ आया, सबके सब बैठ बैठ करके सबके सब भगवान की धाम में चले गए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। हाँ देखो, कथा को बहुत देर हुई, कथा को आज हम कहीं विश्राम देते हैं। हाँ, आपसे एक प्रश्न करता हूँ, आप लोग ये बताओ कथा कितने से कितने तक होनी चाहिए? बोलो सबके सब बोलो। देखो आप जितने बजे बोलोगे ना, हम उतना बजे कथा शुरू करके उतना बजे कथा को हम विश्राम करते हैं। बोलो कितने बजे? कोई बोल रही है? बोलो कितने बजे? हाथ लगा कर बोलो। बोलो बोलो कितने? आप लोग बोलो, भाई लोग बोलो, माता है बोलो। पाँच से ना? पाँच से? कोई बोल रहे चार से, कोई बोल रहे छह से, कोई बोल रहे पाँच से। अब ये बताओ पाँच से कितने तक? पाँच से आठ तक, नौ तक, पाँच से लेकर के कितना समय तक बैठोगे आप? छह। देखो आप लोग कोशिश करना जैसे साढ़े पाँच तक आ जाएंगे, फिर हम नौ बजे को अंदर में कथा को विश्राम कर देंगे। आज पहला दिन था इसलिए अंतर ज़्यादा, क्योंकि कथा शुरू हुई उतनी लेट से हुई इसलिए मैंने इतना कथा बोल दी, लेकिन कल को नौ बजे को अंदर में हम कोशिश करेंगे सारी कथा जैसे विश्राम हो जाए, क्योंकि माताएं घर में जाएगी फिर रोटी बनाओगे, भूखे ना भजन वही बवाल, इसलिए घर में जाओगे फिर रोटी बनाओगे, इसलिए हम कल एकदम कोशिश करना साढ़े पाँच बजे आ जाने के लिए। देखो मैंने कथा बताया ना, ये कथा कल पर लिखे है, कल पर लिखे मतलब जो मांगोगे, अगर कथा को सही सही सुने एक मन से, जो मांगोगे सात दिन के अंदर में, आप जब सिनेमा देखने के लिए जाते हो कब जाते हो? सुबह से पहले ना बीच में जाते हो? पहले पहुंचा, इसलिए जब उसके लिए जाते हो कथा तो उससे ज्यादा महत्व है। ठीक है ना, बस टाइम से आओ, हम टाइम से एकदम समाप्त कर देंगे, घर में जा करके अपना घर का काम करो और कथा को सुनो। ठीक है, अभी आप लोग खड़े हो जाओ, अभी प्रभु जी जाना बोलना है। हरे कृष्ण। आज जो सभी भक्तों के प्रसाद की सेवा है वो समाजवादी पार्टी के मंत्री श्रीमान सतीश गुप्ता जी, प्रदेश सलाहकार वाणिज्य कर बागपत उत्तर प्रदेश की तरफ से हो रही है। एक बार उनके जोरदार ताली बजाएं, यहाँ पर विराजमान है वो आए गुरु जी से आशीर्वाद लें। आज का नाम और संपूर्ण समय जो सब्जी की सेवा श्रीमान राजीव शर्मा जी, आशुतोष शर्मा जी व श्रीमान नरेश कश्यप जी की तरफ से सब्जी की सेवा हो रही है, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं। और वो यहाँ पर हों तो आकर के गुरु जी से आशीर्वाद लें। और जो भी भक्तगण कल प्रसाद सेवा में और धन सेवा में आदि कथा में कोई भी सहयोग देना चाहता है तो वो पीछे जो हमारे काउंटर पर लगाया गेट पे वहाँ पर मनीष गर्ग व रविंदर यानी कि गोपाल जी से संपर्क कर ले। धन्यवाद। हाँ देखो, भागवत कथा में अगर एक अन्न का दाना को लगा दिया, भगवान खुद कहते हैं किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र का अभाव नहीं पाए, भगवान खुद कहते हैं। क्योंकि भागवत कथा जैसे तुलना कुछ एक अन्न का दाना को लगा दिया, इसलिए आप लोग देखिए सबको मुंह में थोड़ा हो जाएगा तो सबका आशीर्वाद मिलेगा, घर में भी महालक्ष्मी की घर में भी कृपा हो, जो देना चाहे जो है जो है। अभी आरती करके प्रभु भजन गाएंगे, भजन में सबसे नाचना। और देखो हम मेरे बड़े गुरु जी कहते थे एक एक जो भक्त लोग आए हो दूसरे दिन दस दस भक्तों को लेकर आए, कितने कितने भक्तों को? हमारे बड़े गुरु जी कहते थे अगर जिसको आप भक्ति में लाओगे ना, कथा में लाओगे,
उनको जो पुण्य मिलेगी उसका आधा पुण्य जो लाने वाले व्यक्ति का आधा पुण्य
ऊपर आकर आरती कर लो। दो व्यक्ति आए थे ऊपर में आजा आरती कर आरती करो। श्रीमान के बिहारी तेरी आरती गाओ, श्रीमान के बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तो मैं कर जाओ, आरती गाओ प्यारे तो मैं कर जाओ, हे Yeah.
चौथा दिन में भगवान कन्या जन्म लेने वाले हैं, इसलिए आपको चार दिन तक हम प्रैक्टिस कराएंगे जब भगवान जन्म लेने के लिए नाचना चाहिए, इसलिए आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे। इसलिए आप मेरे साथ में देखो, हम दुनिया में सबके सब नाच रहे हैं, कोई सास को सामने, कोई पति को सामने, कोई ननद को सामने, कोई पैसा को सामने, सब नाच रहे हैं। लेकिन कब तक नाचोगे? जब तक ठाकुर को सामने नहीं नाच ले तो। अगर प्रभु का सामने एक बार नाच लो, सारे नाचना बंद हो जाएंगे। अगर ठाकुर का दरबार में कोई नहीं नाचेगा, सबको सब नाच रहे होंगे। एक बार सबके सब हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ, सबके सब उठाओ, हाथ सबके सब। हाँ, बोले हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, सनातन धर्म की, गौ माता की,
की आज के अनंत की हरिनाम संकीर्तन की जय जय। देखो कल कितने कितने भक्तों को लेकर क्या, अरे बोलो दस दस। हमारे बड़े गुरु जी क्या कहते जिन पर लेकर के आओगे उनको जो पुण्य मिलेगा लाने वाला उसको आधा आधा मिलेगा। अगर दस व्यक्तियों को लाओगे ना दस दस और उसको आधा आधा पुण्य मिलेगा माला ही माला। ठीक है कल मेरे को दिखाना कौन कितने लोगों को लेकर। ठीक सब जब प्रणाम करो भागवत को और प्रसाद लेकर।